हेलो नमस्कार। नमस्ते बेटा। और कोई नहीं आया अभी? बस अभी लिंक डाला आ रहे हैं सर, हाँ लिंक डाला आ रहे हैं सर धीरे से। सर आ गए। नमस्ते मैं जी नमस्कार। हाँ जी आ गए। जी। नमस्ते। आपका वीडियो नहीं आ रहा? आ जाएगा। मित्रा जी आ नहीं आ रहा। गया, अब आ गया। हाँ आ गया। हाँ तो मैंने राजीव जी को बोल दिया है लिंक के लिए। आप हाँ हाँ इनको तीनों के फोन नंबर और ईमेल भेज दीजिएगा, अच्छा फोन नंबर भेजूं? इनको भेज हाँ दीजिएगा सर, राजीव फोन जी को। नंबर और ईमेल आईडी दे दीजिए फोन मुझे। नंबर भी और ईमेल आईडी भी भेज देंगे आप? ईमेल आईडी चलो, तो मैंने मांगा नहीं उनसे, मेरे ख्याल फोन नंबर आप है इनको तीनों के। फोन ठीक नंबर दे दीजिए, ये अपने आप ईमेल आईडी मांग लेंगे। है ठीक हाँ है, मैं बात कर लूंगा। आप फोन नंबर इनको आज भेज देना तीनों के, भेज ठीक है, अभी 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 भेज देता हूँ। दीजिए। हाँ या व्हाट्सएप पर भेज दूँ ना? हाँ हाँ जी हाँ जी, उनके नाम भी लिख देना साथ में। हाँ 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 नाम भी तो लिखने पड़ेंगे, नहीं सुना माधवी। हैं? बाद में शाम को भेज दीजिएगा, मैं भेज देती हूँ। आप छोड़िए, मैं अभी भेज दूंगी, आराम से भेज दीजिए, कोई वो नहीं है। मैं भेज दूंगी, आप अपना क्लास करो। जी बहन जी, मैं भेज दूंगी आप फोन भैया मैं भेज नंबर, देता हूँ। मैं भेज दूंगी फोन नंबर। ठीक है, अभी कुछ लोग आ गए। हाँ आप शुरू कर लीजिए, टाइम तो हो गया। राजीव शर्मा जी, राजीव जरा सुन, ये फोन भेज दे, कुछ देर में बैठना होगा, भेज भेज इनको।
हेलो। हाँ शुरू कर लीजिए आप। हाँ जी शुरू कर। एक बार हम सभी नमो लोग, नमः गुरु जी, हाँ नमो नमो नमः, नमः हाँ गुरु नमो जी। नमः, नमो नमः। नमस्कार सर। एक बार हम सबको नमस्कार, सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्कार। एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नैन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं समगाः ध्याना वस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। वंदनीया, बड़ी बहन डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, सभी वेद के पिपासु जन, इस वैदिक संस्कृति के प्रसंग में सबसे पहली जो चर्चा है वो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक साहित्य, क्योंकि संस्कृति का समस्त स्वरूप वैदिक साहित्य से ही हमको अवगत होता है। इसलिए वैदिक साहित्य क्या है, वेद से लेकर उपनिषद पर्यंत जितना भी साहित्य है और उसमें सांस्कृतिक बिंदु, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। वेद सभी दुनिया के जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनका मूल है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम्। वेद सब धर्मों का मूल है। जितने भी हमारे धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, शास्त्रीय महत्व है,
सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, राष्ट्रीय महत्व है, इन सब की चर्चा वैदिक साहित्य में विद्यमान है। इसलिए ऋषि दयानंद ने तो लिखा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, जितने भी हितकारी विद्याएं हैं, उन सब का सन्निवेश वैदिक साहित्य में है। उसी से हमारी जीवन की शैली हमें प्राप्त हुई है और उससे एक संस्कृति तैयार हुई, उसका नाम वैदिक संस्कृति है। आज हम उस प्रसंग में सबसे पहले वैदिक साहित्य का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जैसा कि थोड़ा थोड़ा तो संस्कार आप सब लोगों को है, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यद्यपि वेद त्रयी की चर्चा भी वैदिक साहित्य में मिलती है और उपनिषद में यह भी लिखा है अनंताः वै वेदाः, वेद अनंत हैं और वेद एक है। वेद एक है कि वेद तीन हैं कि वेद चार हैं कि वेद अनंत है, यह भी कई बार उलझाने वाला प्रश्न होता है। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि सारी बातें अपनी जगह ठीक है, उसका प्रसंग अलग अलग है। जब हम कहते हैं वेद एक है तो उसका मतलब होता है जीवन का संबंध, समस्त स्वरूप परमात्मा का समस्त ज्ञान वेद रूप है। जब हम कहते हैं वेद तीन हैं, तब हम विषय की दृष्टि से उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि समस्त स्वरूप कार्य के स्वरूप की प्रवृत्ति ज्ञान, कर्म और उपासना, जीवन का समस्त स्वरूप इन तीन शब्दों में समा जाता है। तो ज्ञान, कर्म और उपासना की दृष्टि से वेद त्रयी कहलाती है। जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तब हम ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है और सामवेद उपासना कांड है। इसलिए इसको वेद त्रयी कहा जाता है। और जब हम चार वेद की बात करते हैं तब संहिता की बात करते हैं, जिसमें मंत्र उपलब्ध हैं वो संहिताएं, जिसमें मंत्र संहित हैं वो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर एक और शब्द भी है अनंताः वै वेदाः, इसका मतलब यह है कि वेदों में इन तमाम जितने भी विषय हैं दुनिया के, जितने स्वरूप हैं प्रभु के, जितने विधियां हैं मनुष्य के कर्मों की, भेद हैं, वो सब वेदों में मौजूद हैं। और वेद की अनंतता इस दृष्टि से भी है कि जहां तक मैं ये अनुभव करता हूं, लगभग पिछले 10-15 साल से तो लगातार वैदिक साहित्य पर ही काम कर रहा हूं और पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है जितना जितना हम पढ़ते जाते हैं हम अभी किनारे पर नहीं पहुंचे हैं। शायद जितना बड़ा हमारे मस्तिष्क का, हमारी शक्ति का पात्र है, हम केवल उतना ग्रहण कर सके हैं। वेद में तो अनंत ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति अनंत है, परमात्मा का ज्ञान अनंत है और वेद परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए वो भी अनंत है। ये तीनों चारों दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखे, वेद एक है, वेद तीन है, वेद चार है और वेद अनंत है। परंतु जब हम बात करते हैं उस वेद की जिसमें मंत्र संहिताएं उपलब्ध हैं, तो वो संहिताएं चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय आरंभ में ले लेते हैं, फिर उसका विस्तार करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद परमात्मा का ज्ञान है, ऐसा जो विद्वत संप्रदाय है और स्वयं वेद भी ये प्रमाण है। तस्मात यज्ञात सर्वहूतः ऋचस सामान्य जज्जरे छंदांश जज्जरे तस्मात यजुस तस्मात अजायत। इसी प्रमाण के आधार पर भारतीय परंपरा में जो विद्वान है उन्होंने सबने वेद को परमात्मा का ज्ञान मान करके कहा तस्मात यज्ञात सर्वहूतः, सब जैसे पुकारते हैं या सारा संसार जिसमें हूत होता है, सारा संसार जैसे आहूत करता है, ऐसे सर्वहूत यज्ञरूप प्रभु से ऋचा सामान्य जज्जरे ऋग्वेद सामवेद यजुस तस्मात अजायत, उसी से यजुर्वेद, और छंदांश जज्जरे तस्मात, छंदांश शब्द यहाँ अथर्ववेद के वाचक है, इसलिए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये परमात्मा से चारों वेद उत्पन्न हुए। परमात्मा की वाणी है, जगह जगह वेद में ऐसे मंत्र आते हैं जहां स्वयं परमात्मा अपने को अहम शब्द से प्रयोग करते हैं और वेद को अपनी वाणी कहते हैं। यथेमाम वाचम कल्याणी आवदान जरेभ्या, वेद में कहा यजुर्वेद में, मैंने ये कल्याणी वाणी सारे प्राणी मात्र को दी है। ब्रह्म राजन्नाभ्याम शूद्राय चार्याय चारणाय, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, अति शूद्र के लिए, सब प्रकार के लोगों के लिए ये वेद पठनीय है। ये भी हमारी समाज में एक परंपरा चली कि वेद को कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता, देखो जो पढ़ गया वो विद्वान बन गया, ब्राह्मण हो गया, जो पढ़ न सका वो दूसरे वर्गों में अलग अलग दृष्टिकोण से गया, लेकिन वेद के पढ़ने का अधिकार प्राणी मात्र को है। वेद ने स्वयं ऐसी ऋचा वेद में प्राप्त होती है, इसलिए प्रभु ने यह वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में चार ऋषियों को दिया, उनके शुद्ध अंतःकरण में एक एक वेद का एक एक ज्ञान दिया, एक एक वेद का ज्ञान दिया। अग्नि वायु को, अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का, वायु ऋषि को यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि को सामवेद का और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का। इन चारों ऋषियों के अंतःकरण में प्रभु ने एक एक वेद प्रकट किया। सृष्टि के आदि में, हर सृष्टि के आदि में इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से पहले ही वेद का ज्ञान ऋषियों को प्राप्त होता है। अग्नि वायु और आदित्य अंगिरा, इन चारों जो वेद का ज्ञान, संपूर्ण चारों वेदों का ज्ञान जिस ऋषि को प्राप्त हुआ उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने वेद का अध्ययन किया। आपने देखा होगा वेद के मंत्रों पर तीन चीजें अंकित होती हैं, एक अंकित होते हैं ऋषि, एक अंकित होता है देवता और एक अंकित होता है छंद। वेद को कैसे पढ़ें, कहां उसमें यति होगी, कहां उसमें विराम होगा, इसके ज्ञान के लिए छंद शास्त्र है। और ऋषि जिन्होंने उस वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया, जिन्होंने ठीक से समझा और उसकी व्याख्याएं की, वो ऋषि उस वेद मंत्र पर लिखे हुए, क्योंकि ऋषय मंत्र दृष्टार साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूव, जो वेद को जिन्होंने साक्षात्कार किया वो ऋषि उन वेद मंत्रों के ऊपर लिखे हुए, उन्होंने वेद में क्या रहस्य है इसको समझा। यूं भी कह सकते हैं
जो वेद का देवता है उसका विषय है, उस विषय का वक्ता वो ऋषि है, और जो देवता है वो उस मंत्र का विषय है। देवता दो रूपों में है, एक विषय के रूप में भी है, और दूसरा कभी कभी हमको लगता है कुछ मानवीकरण सा उसमें हुआ है। ये जो मानवीकरण है ये प्रकृति के पदार्थों के नाम है, अग्नि वायु आदित्य और दुनिया के जितने भी देवता, इंद्र रुद्र वसु बृहस्पति, ये दुनिया में देवताओं के नाम के साथ साथ परमात्मा के साथ भी जुड़े हैं। इसलिए जब इन देवताओं की चर्चा करेंगे मैथोलॉजी वाले प्रवचन में, तब आपको विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कैसे वेद में देवताओं का स्वरूप वर्णित है। परंतु साथ ही वेद ने स्वयं ये कह दिया कि जहां जहां ये दिव्य शक्तियों के से युक्त देवताओं का की स्तुति के मंत्र हैं, वहीं ये परमात्मा की स्तुति के मंत्र भी हैं। एकम सद विप्रा बहुधा भदंती अग्नि मेवम मातरिश्वान बाहु, अग्नि मातृस्वा इंद्र रुद्र आदि जितने शब्द हैं वो सब एक सत परमात्मा के ही वाचक शब्द हैं। तो परमात्मा के वाचक शब्द भी हैं ये, और प्रकृति के जो दिव्य शक्तियों को धारण करने वाले तत्व हैं उनके भी नाम हैं। इसकी विस्तृत व्याख्यान हम अगले व्याख्यान में करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा मैं पहले एक एक वेद का परिचय दे दूं, फिर एक एक वेद का प्रतिपाद्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये चार जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। यद्यपि बाद के साहित्य में और भी उल्लेख मिलते हैं, लेकिन उपवेद हमें संहिता की तरह उपलब्ध नहीं है। मैंने भी बहुत जगह तलाश किए, जब ऋग्वेद पर मैंने अपना थीसिस लिखा उस वक्त मैंने बहुत कोशिश की उपवेद साक्षात मुझे मिल जाए, मैं पढ़ सकूं उनको, लेकिन उपलब्ध नहीं है। नाम जरूर उपलब्ध है, तो हमने केवल नामांकन आपको किया। अब इसके बाद ऋग्वेद में सारा ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद के ऋषि हैं अग्नि प्रणेता ऋषि, और उसमें 10 मंडल हैं, ये पूरी तरह 10 मंडलों में विभाजित है, अध्यायों में भी विभाजित है, 8 अध्याय में भी विभाजित है। और ये 10 मंडल 1028 सूक्त यानी 1028 सूक्त इसमें है। एक सूक्त में लगभग एक विषय चलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही सूक्त में दो तीन ऋषि और दो तीन देवता, ऋषि तो अलग हो ही सकते हैं लेकिन देवता भी कई बार अलग अलग होते हैं, विषय अलग भी हो जाते हैं, लेकिन बहुधा ये देखने में आया है कि एक सूक्त में एक ही विषय है। तो ये 1028 सूक्त का मतलब है कम से कम 1028 विषयों की चर्चा ऋग्वेद में विद्यमान है। और इसके बाद इसमें जो मंत्र संख्या है वो 10552 है। यद्यपि इन सब चीजों में मनुष्यों ने काफी विश्लेषण किया है, बहुत समय तक 10580 चलता रहा विद्वानों में, पर अब सभी विद्वानों मिलकर के एक निर्धारित संख्या कर दी है और वो है 10552। तो ऋग्वेद में ये मुख्य मुख्य चीजें आपने समझी, ऋग्वेद के ऋषि हैं अग्नि, ऋग्वेद में मंडल हैं 10, ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028, और ऋग्वेद में मंत्र हैं 10552। ये जनरल परिचय ऋग्वेद का। अब इसके बाद यजुर्वेद की चर्चा करते हैं, फिर इनके विषय की चर्चा करें।
इसी प्रकार से यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और यजुर्वेद में 40 अध्याय, यजुर्वेद के दो रूप हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। बहुत दिनों तक मैंने चूंकि केवल शुक्ल यजुर्वेद का ही पाठ बहुत बार किया था, बहुत बार पढ़ा था, भाष्य भी पढ़ा, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद का कभी दर्शन हुआ नहीं। जब वेद पर पीएचडी करने का नंबर आया तो कृष्ण यजुर्वेद को पढ़ने का अवसर मिला। असल में कृष्ण यजुर्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथों के निर्वचन हैं वो भी मंत्र के साथ साथ दिए हैं, तो ब्राह्मण और वेद दोनों का जो सम्मिलित स्वरूप है उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद है। शाखाएं भी भिन्न भिन्न हैं, तो जो हम आमतौर पर जिसे यजुर्वेद कहते हैं, जिसे यजुर्वेद संहिता कहते हैं, जिसमें 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं, उस संहिता का नाम शुक्ल यजुर्वेद है, इसे वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। तो यजुर्वेद में ये थोड़ी सी मौलिक जानकारी, उसका परिचय के लिए आप नोट कर लीजिए। यजुर्वेद के ऋषि हैं वायु, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद के अध्याय हैं 40, और यजुर्वेद में जो टोटल मंत्र हैं वो 1975 हैं, जिसका जो 40वां अध्याय है वो ईशावास्योपनिषद है, एक दो शब्दों के अंतर से ज्यों के त्यों ईशावास्योपनिषद में वही मंत्र विद्यमान है। तो यजुर्वेद का एक संक्षिप्त परिचय। अब इसके बाद सामवेद, सामवेद में सामवेद के ऋषि हैं सूर्य, इसे हम आदित्य कहते हैं। यद्यपि एक बार मेरे एक शिष्य ने प्रश्न किया था कि क्या नाम में भी पर्यायवाची चलता है, तो ध्यान रखिएगा, यद्यपि नाम में पर्यायवाची नहीं चलता, लेकिन जब हम कविता में उसका प्रयोग करते हैं तब हम गुणवाची नामों का या पर्यायवाची नामों का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा सभी काव्यों में, सभी साहित्य में हुआ है। सूर्यात सामवेदः ऐसा भी प्राप्त होता है और आदित्य भी प्राप्त होता है, तो इसलिए अर्थ एक ही है। आदित्य ऋषि का कहीं कहीं अर्थ भी प्रयोग कर दिया गया है। तो सामवेद के ऋषि हैं आदित्य, और सामवेद में दो भाग हैं, एक है पूर्वार्चित और एक है उत्तरार्चित। अर्चित का मतलब है ऋचाएं, पूर्व की ऋचाएं पूर्वार्चक हैं और उत्तर जो ऋचाएं हैं वो उत्तरार्चक हैं, और इनमें कांड हैं, जैसे इंद्र कांड, इंद्र कांड में इंद्र से संबंधित मंत्र हैं। पवमान कांड, इसमें पवमान करने वाले देवता वायु आदि के मंत्र हैं। और उसके बाद तीसरा है इंद्र कांड, पवमान कांड और आग्नेय कांड। आग्नेय कांडों में अग्नि से संबंधित मंत्र हैं, उनकी स्तुतियां हैं। यद्यपि सामवेद में 1875 टोटल मंत्र हैं, 100 मंत्र यजुर्वेद से कम हैं, लेकिन इन मंत्रों में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं, और ऋग्वेद के जो मंत्र यजुर्वेद में हैं, सामवेद में हैं, उन मंत्रों का जो डिवीजन है, विभाजन है, वो अलग है। ये अलग तर्क का और चर्चा का विषय है कि जब वही मंत्र हैं तो क्या ये रिपीटेशन है, ये चर्चा बाद में करेंगे, अभी सामान्य परिचय मैं आपको दे रहा हूं। और चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ऋषि हैं जिनके हृदय में ये प्रणीत हुआ, जिसके प्रणेता हैं, वो है अंगिरा ऋषि, कुछ लोग उनको अथर्वा ऋषि भी कहते हैं। तो इसमें 20 कांड हैं, अध्याय की जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग है, जैसे ऋग्वेद में मंडल का, यजुर्वेद में अध्याय का, और सामवेद में अर्चकों का। उसी प्रकार से जो अथर्ववेद है उसमें कांड हैं, 20 कांड हैं।
और 20 कांडों में फिर सूक्त है। इसके सूक्त थोड़े छोटे छोटे हैं, थोड़े थोड़े मंत्र हैं। सामवेद में एक चीज और रह गई कि दशतियां हैं। फिर जैसे हमारा आग्नेय कांड है तो उसकी दशति, उसी प्रकार से पवमान की दशति 10-10 मंत्रों का। लेकिन ध्यान रहे अधिकांश में 10 मंत्र हैं, लेकिन 9 मंत्रों की दशति भी है, उसका नाम दशति पड़े, भले ही संख्या उसमें 8 और 9 हो। तो ये अथर्ववेद की मैं चर्चा कर रहा था, और अथर्ववेद में का जो उपवेद है वो है अर्थवेद, और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। तो अब एक एट ए ग्लांस चारों वेदों की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद ऋषि अग्नि, उनके मंडल 10, सूक्त 1028 और मंत्र 10552। यजुर्वेद के ऋषि वायु, उसमें अध्याय 40, उसका उपवेद धनुर्वेद और उसमें मंत्र संख्या 1975। सामवेद के ऋषि सूर्य आदित्य, उसमें उसका डिवीजन उत्तरार्षिक और पूर्वार्षिक कांडों में उसका डिवीजन, उसके बाद दशतियों में, और उसके मंत्र संख्या 1875। इसी प्रकार से जो अथर्ववेद है उसके मंत्रों की संख्या 5977, लगभग 6000। तो ये अथर्ववेद के मंत्र हैं, और उसमें उसको विज्ञान कांड कहते हैं। ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहते हैं, यजुर्वेद को कर्म कांड कहते हैं, सामवेद को उपासना कांड कहते हैं, और अथर्ववेद को विज्ञान कांड कहते हैं। ये विषय की दृष्टि से, लेकिन ध्यान रहे कि ऋग्वेद में केवल ज्ञान की चर्चा है, यजुर्वेद में केवल कर्म की चर्चा है, सामवेद में केवल उपासना के मंत्र हैं, या अथर्ववेद में केवल विज्ञान है, ऐसा नहीं है। अपितु प्राधान्येन विपदेशाः भवन्ति। प्रधानता जिस विषय की है उसी के विषय के नाम से उस वेद को जाना जाता है। ऋग्वेद जो ज्ञान कांड है उसमें जो प्राधान्य है वो उसमें सूक्त ही है, साक्षात ज्ञान सूक्त है, उसके आधार पर भी शायद उसे ज्ञान कांड कहते हो। और इसी प्रकार से यजुर्वेद में जो कर्मकांड सबसे बड़ा यज्ञ है उसका विस्तार है। 40वां अध्याय को छोड़ करके लगभग सभी अध्याय में अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं उन यज्ञों के विधान के मंत्रों का विनियोग है। इसलिए यजुर्वेद कर्मकांड है। सारे यज्ञों का जो प्राविधान है वो यजुर्वेद के मंत्रों से बहुधा प्रयोग होता है। और जो तीसरा वेद है सामवेद, ये उपासना कांड है। इसके प्रमाण भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, जितनी चर्चा कर रहा हूं उसमें एक एक वेद मंत्र जरूर कम से कम इस प्रसंग में, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है लंबा, उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। जब हम प्रतिपाद्य की चर्चा करेंगे तब हम मंत्रों का उल्लेख करेंगे। तो सामवेद उपासना कांड है और अथर्ववेद विज्ञान कांड है। उसमें ज्ञान की चर्चा, विज्ञान की चर्चा खास तौर से पहले मंत्र में देखे, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वा रूपाणि बिभ्रता वाचस्पत्र वाला तेषां तन्नो अद्यत धातु में, ये 3 और 7 का विनियोग, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वा, उस प्रभु ने 3 और 7 से सारे संसार को बांध रखा है चारों तरफ से। अब ये जो 3 और 7 क्या है, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और उसका जो विकार है महत्त्व, पंच तन्मात्राएं, अहंकार, ये 7 तत्व मिलकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो पूरे सृष्टि के निर्माण का विज्ञान पहले मंत्र में भरा हुआ है। इसकी चर्चा हम उस प्रसंग में करेंगे, अभी तो मैंने थोड़ा सा एक संकेत किया। अब इस वेद साहित्य के बाद थोड़ा थोड़ा परिचय मैं आगे का दे दूं, फिर वेद का जो प्रतिपाद्य है उसकी चर्चा करेंगे। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य, यजुर्वेद का प्रतिपाद्य, सामवेद का प्रतिपाद्य, अथर्ववेद का प्रतिपाद्य, आखिरकार इसमें कौन कौन से विषयों की चर्चा है, जितना भी हमारा समय इजाजत देगा उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले वैदिक साहित्य पर एट ए ग्लांस एक चर्चा कर लेते हैं, एक दृष्टि से सबको देख लेते हैं। तो चारों संहिताएं और चारों उपवेद, इसका हमने एक दृष्टि में जाना इसको। अब इसके बाद इसको समग्र जानने के लिए हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि
हमारे ऋषियों ने लिखा मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम्। ये तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आता है मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र और ब्राह्मण का क्या मतलब है? ब्रह्म मानी वेद के हैं और ब्राह्मण का मतलब वेद से रिलेटेड। जो वेद के सर्वप्रथम व्याख्या ग्रंथ हुए उन व्याख्या ग्रंथों का नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। और उनका और विस्तार भी हुआ, लेकिन आरंभ में जैसे सबसे पहले हमारा जो ऋग्वेद है उसके दो ब्राह्मण ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। एक है ऐतरेय ब्राह्मण और एक है सांख्यायन ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय और सांख्यायन इन दोनों का एक ही स्वरूप है। तो ऐतरेय और कौशितकी दो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेद के मंत्र हैं उनकी सरल से सरलतम व्याख्या, यहां तक उसमें थोड़ा सा सांसारिक उदाहरण भी दिए हैं, ये विस्तार से है। उसी प्रकार से जो यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, क्योंकि यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है और शतपथ ब्राह्मण में जितना भी कर्मकांड, जितने भी यज्ञ हैं उनका विस्तृत वर्णन है, चाहे वो दर्श हो, चाहे वो पौर्णमास हो, चाहे वो सत्र यज्ञ हो, चाहे वो यानी क्या अग्निष्टोम हो, चाहे ज्योतिष्टोम हो, चाहे राजसूय हो, चाहे अश्वमेध हो, चाहे इस तरह से राजसूय यज्ञ हो, सारे यज्ञों का विस्तृत वर्णन है और उसकी बड़ी ही सुंदर दार्शनिक व्याख्या है। उसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे हम लोगों ने सोचा ये जो अग्निहोत्र हम करते हैं इसका नाम यज्ञ है, ये भी यज्ञ है, लेकिन अग्निहोत्र मात्र यज्ञ नहीं है। अभी हम लोग अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं पर हम भी एक यज्ञ कर रहे हैं। आप लोगों का जो अंतःकरण है, आपकी जो कर्णेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, वो इस वक्त कुंड का काम कर रही है और मैं उसमें वेद से संबंधित जो ज्ञान है उसकी आहुति दे रहा हूं। तो ये ब्रह्म यज्ञ चल रहा है। जब गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देता है, ज्ञान देता है, उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। इसके दो स्वरूप हैं, एक तो स्वाध्याय है और एक जो हम लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं, और एक है अब जब परमात्मा की चर्चा करते हैं, ब्रह्म के साधना में बैठते हैं, वो ब्रह्म यज्ञ का रूप है। तो तीन मुख्य रूप इसके पैदा हुए। इस तरह यज्ञों की विस्तृत चर्चा, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै ब्रह्म, इस तरह से जितने भी उसमें दर्शन आ सकते हैं यज्ञ के, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत, शिल्प विद्या से लेकर के और दुनिया का जितना ज्ञान है वो सब यज्ञमय है। इसलिए यज्ञ बहुत व्यापक है और ये बात हमने ब्राह्मण ग्रंथों से जानी। वेद में तो लिखा तस्मात यज्ञात सर्वतः ऋतः सामान्य यज्ञ रे छंदांश, और भी मंत्र लिखे कि यज्ञ जो है वो संसार में स्वर्ग का सुख का बहुत बड़ा साधन है। यज्ञ यज्ञमय जंत देवाह तान धर्माणि पठमान्यासन तेहनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संत देवाह। तो देवताओं ने, सिद्ध पुरुषों ने ये यज्ञ किए और धरती पर स्वर्ग बढ़ाया। इसका और विस्तृत उल्लेख हम अगली चर्चाओं में करेंगे, जब वेद के धर्म की चर्चा करेंगे तब उसको और विस्तार में आपके सामने रखेंगे। अभी तो केवल एक एट ए ग्लांस में आपको लिटरेचर का परिचय केवल दे रहा हूं। तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें यज्ञों के जितने स्वरूप हैं और उनकी जो भी दार्शनिक आध्यात्मिक भौतिक व्याख्या संभव है वो सब कुछ इन ब्राह्मण ग्रंथों में विद्यमान है। तो सामवेद यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। इसी प्रकार से जो सामवेद है उसका यद्यपि वर्तमान में कई ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, लेकिन मूल जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तांड्य है, तांड्य ब्राह्मण। और इसका उपवेद भी गंधर्व है जिससे संगीत विद्या आगे चलकर निकली, उसकी चर्चा हम अगले प्रकरण में आपको करेंगे। और उसके बाद जो चौथा वेद है अथर्व वेद, उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। हालांकि आज और भी ब्राह्मण ग्रंथ उसके दुनिया में उपलब्ध होते हैं, लेकिन मूल जो ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से उस गोपथ ब्राह्मण में जो वेद के मंत्र हैं अथर्ववेद के, उन मंत्रों के निर्वचन, इन
ब्राह्मण ग्रंथों में केवल मंत्र की व्याख्या मात्र नहीं है, अनुवाद मात्र नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, अभी तो उसके मूल को छूते हुए उनकी व्याख्याएं हैं। ये आपको जब हम प्रतिपादित की चर्चा करेंगे तब आपको थोड़ा सा अनुमान होगा किस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ इसकी व्याख्या करते हैं। छोटा सा प्रकरण बस आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे अश्वमेध और राजसूय दोनों यज्ञ जो हैं वो राज्य के विस्तार के लिए, सुख के लिए होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में उसका चर्चा आई। राजसूय यज्ञ तो वो करता है जो राजा अपने प्रजा को सुखी रखने के लिए, राज्य को व्यवस्थित रखने के लिए करता है, और जो सम्राट बनने की इच्छा रखता है, चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा रखता है, वो अश्वमेध यज्ञ करता है। तो अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट करता है और वो घोड़ा सब राज्यों में छोड़ता है, उसके पट्टा गले में डाल देते हैं, जो उसको रोकेगा इसका मतलब वो टैक्स देना नहीं चाहता, उसका दिन काम करना नहीं चाहता, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, युद्ध की इच्छा रखता है और अपनी शक्ति की परीक्षा करना चाहता है, आपके शक्ति की परीक्षा करना चाहता है। और जब वो घोड़ा लौट करके आ जाता है तो जो जो राज्य उसे रोकेंगे उनके साथ युद्ध होगा और फिर विजयी होने के बाद वो राजा चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो उस घोड़े को बांध दिया जाएगा शक्ति के रूप में और उसमें कहा कि ये राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्रम वही अश्वः। ये व्याख्या पहली बार उसमें तत्पद ब्राह्मण में। तो अश्वमेध का ये अर्थ नहीं है कि घोड़ा उसमें काट के डालना है, अपितु अश्व नाम है राष्ट्र का, और वो राष्ट्र राष्ट्र रहता है जिसमें श्वः नहीं होता, कल पर काम नहीं छोड़ा जाता, न श्वः इति अश्वः, अर्थात आज का आज ही। इसीलिए घोड़े को भी अश्व कहते हैं, क्योंकि घोड़ा जो है अगर हमको एक ही दिन में 30-35-40 किलोमीटर जमाने में जाना होता था तो हम घोड़े की सवारी करते थे, वो कल नहीं होने देगा, आज सूर्यास्त तक आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा, इसलिए उसका नाम हो गया अश्व। अश्वतो अध्वानम, वो रास्ते को खा जाता है, इतनी तेजी से चलता है हमको पता नहीं चलता कहाँ रास्ता निकल गया, तो मानो कि वो खा गया रास्ते को। तो इस प्रकार से जो अश्वमेध यज्ञ है उसकी विस्तृत व्याख्या हम यज्ञ प्रकरण में करेंगे। यहाँ तो थोड़ा सा मैंने एक मात्र उल्लेख किया किस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में जो वैदिक स्थितियां हैं, वेद में जो यज्ञ हैं उनके स्वरूप वर्णन थे। इसी प्रकार से वेद जो वही विष्णु सतपथ ब्राह्मण में भी आता है और ब्राह्मणों में भी आता है, तो उसका क्या मतलब है, ये सारा विस्तार से कहा कि यज्ञ विष्णु क्यों है। तो जो कुछ हमें पुराणिक साहित्य में प्राप्त होता है उसका भी मूल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेद में उपलब्ध होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होता है, फिर उसमें और कहानियां डाल डाल करके ये पुराण बना दिया और असली जो उसका अर्थ था वो गौड़ हो गया और दूसरी चीजें उसमें प्रमुख हो गई। जैसे हम कभी व्याख्यान करते हैं तो व्याख्यान में कभी कभी समय का सदुपयोग करने के लिए या रुचि बनाए रखने के लिए कुछ कहानी डाल देते हैं और वो लोगों को सिर्फ कहानी कहानी तो याद रहती है, किस विषय पर वो कहानी कही वो याद नहीं रहता। तो यही स्थिति पुराणों की हो गई कि पुराणों ने वैदिक जो बिंदु थे देवताओं के, विष्णु पुराण में विष्णु का, शिव पुराण में शिव का, नमा शंभवाय च मयो भवाय च नमा शंकराय च महेशकराय च आदि मंत्रों की व्याख्या के रूप में उसे उपस्थित किया और वो एक अलग ही स्वरूप उसका प्रकट हो गया और वेद का जो मंतव्य था वो खो गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो वैदिक साहित्य है उसको ठीक समझे बिना फिर आगे हम इन शास्त्रों को भी समझ नहीं पाते हैं। तो ये मैंने ब्राह्मण ग्रंथों की थोड़ी सी चर्चा की जिसमें शतपथ सॉरी ऐतरे ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और सामवेद का तांडे ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण, ये चार ब्राह्मण ग्रंथ इन चारों वेदों के हमारे पास हैं। और इन ब्राह्मण ग्रंथों पर अब तो बहुत कुछ उपलब्ध है, आपको हिंदी में किताबें उपलब्ध हैं, व्याख्याएं उपलब्ध हैं, सरल भाषा में हम इन्हें समझ सकते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों का कमाल देखिए कि उनके पास इतना सारे संसाधन नहीं होने के बावजूद इतनी साधना की उन्होंने, एक एक शब्द को उतनी सूक्ष्मता से चिंतन किया है। जैसे जैसे हम वेद की चर्चा आगे सुनेंगे समस्त संस्कृति में तो आपको अंदाजा लगेगा किस प्रकार से वेद की गहराई को उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो अब इसके बाद वेद के अंग हैं, मैंने चारों वेद कर दिए, चारों उपवेद कर दिए, चारों ब्राह्मण ग्रंथ कर दिए चारों वेदों के, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अब नंबर आता है वेदांग का। वेदांग वेद के जानने में सहायक हैं,
और सबसे पहला अंग है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है वर्णोच्चारण शिक्षा, उच्चारण की विधि। बहुधा हम उच्चारण ठीक नहीं करते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रम यजमान हिनस्ती यथेन्द्र सत्तु स्वरतो बलाधार। सभी ऋषियों ने इस मंत्र की चर्चा की है और निरुक्तकार ने भी इसकी चर्चा की है कि अगर हमको मंत्र का ठीक उच्चारण नहीं आता तो हम ठीक अर्थ नहीं कर सकते। उसमें उदात अनुदात स्वरित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई शब्द आद्योदात है और हमने अंतोदात कर दिया तो फिर उसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए सही अर्थ जानने के लिए हमको सही उच्चारण जानना जरूरी है। इसलिए वेद का उच्चारण भी बहुत शुद्ध हो, इस पर हमारे ऋषियों ने बहुत ध्यान किया, वेद के पाठ तैयार किए ताकि उसमें कुछ मिलावट ना हो, कुछ छोड़ आगे पीछे ना हो जाए, कुछ उसमें अंतर ना आ जाए। इसलिए उन्होंने वेद का अष्ट विकृति पाठ तय किया। अष्ट विकृति पाठ में एक संहिता पाठ होता है, जैसे हम बोलते हैं अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये हमने गायत्री छंद का एक पाठ किया, ये संहिता पाठ है। अब संहिता के बाद इसका आएगा क्रम पाठ। क्रम में क्या है कि जो शब्द जिस क्रम में है वही रखा जाएगा। अग्निम ईडे, अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नम धातम। इस क्रम में शब्द हैं वो क्रम पाठ। क्रम के पाठ के बाद आता है जटा पाठ, घन पाठ, रेखा पाठ। इस प्रकार से अष्टविकृति पाठ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक 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 मंत्र का एक पाठ का एग्जाम्पल आपको दे देता हूं जटा का, फिर इसी तरह से घन आदि पाठ है। पहले वो अग्निम ईडे ईडे अग्निम अग्निम ईडे अग्निम ईडे ईडे अग्निम अग्निम ईडे ईडे पुरोहितम पुरोहितम ईडे ईडे पुरोहितम अग्निम ईडे यज्ञ पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितम पुरोहितम यज्ञस्य। इस प्रकार से एक एक शब्द उसमें ऐड होता जाएगा और तीन बार उसकी आवृत्ति होगी। पहले अगला वाला पाठ, फिर पीछे वाला, फिर आगे वाला, फिर एजिट आ जाएगा और फिर जब उसका अंत आएगा यज्ञ सदैव ऋतुजम ऋतुजम इति ऋतुजम, इसका मतलब यहाँ विराम है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ वेदों की रक्षा के लिए जो ये पाठ है इसकी प्रक्रिया भी निर्धारित की, ताकि कहीं किसी प्रकार से कोई उसमें विकृति ना आ जाए। विकृति से रक्षा करने के लिए वेद में इन पाठों का विवेचन किया गया। अब इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो वेदांग आते हैं, उन वेदांगों में सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा में आपको वर्ण उच्चारण, दो बातें इसमें खास हैं। एक तो आप उच्चारण जब करते हैं तो किस शब्द का उच्चारण कहां से होता है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे यहां मूर्ख की एक परिभाषा है, एक नाम है शकार, एक ग्रंथ है मृच्छकटिक। मृच्छकटिक में राजा का साला बहुत मूर्ख होता है, उसका नाम तो क्या है, वो तो छूट गया, लेकिन उसका नाम पड़ गया शकार, क्योंकि वो सकार को शकार बोलता था। हमारे देश में भी ऐसा है, जहां अलग अलग प्रांतों में सकार का उच्चारण बड़ा गड़बड़ होता है। कुछ मूर्धन्य शकार को खा बोलते हैं, माखे खश्वम बदनाती, या हम बोलते हैं सहस्र शीर खा हा पुर खा हा, इस प्रकार से शाकु खा बोलते हैं। और इसी प्रकार से और भी हमारे यहाँ उच्चारण में भेद हैं, जो उच्चारण उनका अलग अलग है। स्थान और प्रयत्न दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। इस पर मैंने व्याकरण वाले जब चर्चा की थी बहुत विस्तार से चर्चा की थी, आज थोड़ा संक्षेप में करता हूँ, क्योंकि हमें बहुत सी चर्चाएं करनी है, प्रतिपाद्य भी चारों वेदों के आपके सामने रखने हैं इन दो घंटे के अंदर। तो थोड़ी सी चर्चा में आपको शिक्षा की करता हूँ। शिक्षा में वर्णोच्चारण में सबसे पहली चीज है स्थान। तो स्थान के लिए बाद के जो ग्रंथ हैं, जैसे पाणिनीय व्याकरण में आयकल शिक्षा को ऐड कर दिया, पहले शिक्षा ग्रंथ अलग थे, 8-10 प्रकार के शिक्षा ग्रंथ हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें पाणिनीय शिक्षा जो है वो बहुत आजकल मान्य है, उसी का आधार पर हम चर्चा आपको करते हैं। जैसे अ बोलना है आपने, अ
तो आ कहां से बोला? कंठ से। अ तो सीधा कंठ से आया, तो उसका स्थान हो गया कंठ। ऐसे आपने बोला हा, तो हा भी कहां से बोला? कंठ से। ऐसे विसर्ग हैं राम ह। और इसके अलावा क वर्ग, क ख ग घ, आपका मुख खुला रहा और कंठ से ही सीधा अक्षर बाहर आया, तो अ कु ह, अ क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अकु विसर्जन या नाम कंठ, नियम बना दिया। तो अ क वर्ग, अब इस प्रकार से जब आप उच्चारण करेंगे तो क को का के रूप में उच्चारण करेंगे। अब एक सवाल ये पैदा होगा कि खा भी कंठ है और का भी कंठ है, तो दोनों कंठ है तो दोनों का एक तरह से उच्चारण होगा, तो दोनों में थोड़ा भेद है, प्रयत्न का भेद है। एक में थोड़ा प्रयत्न होगा, एक में ज्यादा प्रयत्न होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राण महाप्राण और अल्प प्राण, क अल्प प्राण है, क ख, इसमें प्राण ज्यादा बाहर आया, श्वास ज्यादा, हवा बाहर ज्यादा आई, तो यह महाप्राण है। तो इस प्रकार से क ख ग घ, प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर अल्प प्राण है और द्वितीय और चतुर्थ अक्षर महाप्राण है, उसमें ज्यादा प्राण खर्च होता है। तो हमने शिक्षा में उच्चारण की विधि अको विसर्जन नाम कंठ, इचुएशा नाम तालु, ई चवर्ग या और शा का उच्चारण स्थान तालु है, इस प्रकार से कुछ नियम बना दिए। मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए उसका बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, केवल मात्र थोड़ा थोड़ा बिंदु आपको देता हूं, क्योंकि मूल तो मैंने वेद पर चर्चा करनी है, वैदिक लिटरेचर पर चर्चा करनी है, तो वो मुख्य है, इसको फिर अगले कभी प्रसंग में लेंगे। तो ये उच्चारण और प्रयत्न, स्थान और प्रयत्न, दो चीजें उच्चारण में बहुत जरूरी है। कौन सा प्रयत्न है? अल्प प्राण है, महाप्राण है, संवार है, विवार है, श्वास है, नाद है, घोष है, अघोष है, ये सारी जानकारियां हमको जब होती हैं तब हम शिक्षाविद होते हैं। उच्चारण का सही ज्ञान जब हमको होता है तब हम ठीक से उच्चारण करते हैं। गीतों की तरह हम वेद के मंत्र को नहीं गा सकते, इसमें इसकी विधि थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इसमें अक्षर जो है वो बिल्कुल क्रम में जाना चाहिए, उसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। आपको भी छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, अभी कल ही टेलीविजन पर एक बड़ी अद्भुत सूचना आ रही थी, एक दो दो चैनल पर आ रही थी, चर्चा ये आ रही थी कि जो मेंटल पेशेंट हैं, थोड़ा ब्रेन जिनका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उनके इलाज चल रहे हैं, 36 हमारे जो मरीज हैं वो उनका इलाज चल रहा है, उसमें 64 लोगों का इलाज चल रहा है, उसमें से 32 पर प्रयोग किया गया त्र्यंबकम विजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकुवे वंदनान मृत्योर्मुक्षे मामृता, कि मंत्र का प्रभाव कितना होता है, और उनका इलाज अपने लगन से चल रहा है, और आधे लोग ऐसे थे जिनके यहाँ मंत्र नहीं सुनाया गया, मंत्र भी लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में पढ़े गए, वहां के आचार्यों ने सस्वर वेद पाठ किया और वहां उनकी केवल ध्वनि आ रही है, वहां लगा दिया टेप डायरेक्ट लाइव, वो पाठ कर रहे हैं, पता लगा उसमें से 90-95% लोगों को ज्यादा लाभ हो रहा है जो मंत्र का उच्चारण सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दिव्य शक्तियां मंत्र के प्रभाव को मनुष्य तक लाती है, मेरे मन पर भी प्रभाव पड़ता है, मैंने अनुभव करके देखा, हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो सोते समय मन में कोई विकार ना आ जाए, इसलिए यद जागृतो दूर अमुदित दैव तत्सुप्त तथा वैत दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिलेकम तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मंत्र हम पाठ करते थे कि मेरा मन जो है शिव संकल्प वाला होवे, तो मन में जो शिव संकल्प है वो बना रहे और हमारी नींद बहुत बढ़िया आए और सवेरे उठकर जगे। आज भी मैं आप सबको कह रहा हूं ये बात कि इन मंत्रों का, उठने के बाद कौन से मंत्र हैं, सोने के बाद कौन से मंत्र हैं, मंत्र भोजन करने के लिए कौन सा मंत्र है, हर विधि का हमारे पास मंत्र, स्नान का मंत्र है, इन मंत्रों के विनियोग से आपकी विधि का विधि विशेष प्रभावशाली हो जाती है, गुणकारी हो जाती है। इसलिए मैंने प्रसंग में एक चर्चा आपको कर दी। तो हम शिक्षा में जो उच्चारण है, उच्चारण की विधि हमारी अगर ठीक है, तो वैसे भी आपने देखा होगा जो शुद्ध उच्चारण करता है उसका आकर्षण कुछ डिफरेंट होता है। सामान्य व्यक्ति मंत्र पढ़ता है और एक वेद का अध्येता मंत्र पढ़ता है, दोनों को पढ़ने में बहुत फर्क होता है। हम लोग कभी कभी पारायण यज्ञ करवाते हैं तो जो वेद पाठी होते हैं नौजवान, उनको हम बुलाते हैं, जो शुद्ध वेद का पाठ करने का जैसे प्रैक्टिस होते अभ्यास होता है, वो बढ़िया सा पाठ करते हैं, एक अलग प्रकार का वातावरण बन जाता है। जैसे गीत हम सुनते हैं तो गीत का मन में रस भर जाता है, उसी प्रकार से वेद का पाठ करने का लाभ अलग है। तो शिक्षा जो है
हमको सही उच्चारण और पाठ सिखाते हैं। दूसरी चीज है व्याकरण, दूसरा अंग। व्याकरण हमको दो बातें तय करता है, विपाद्यंते है व्याक्रियंते विपाद्यंते शब्दा अनेन शब्दा अनेन इति व्याकरणम, जो शब्दों की व्युत्पत्ति है, कैसे उसका अर्थ बना, उसकी धातु क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, वो सुबंत है कि वो तिगंत है कि वो तद्धित है, वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, उसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय है या पुल्लिंग प्रत्यय है, उसमें कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार से शब्द का विवेचन हमारा व्याकरण शास्त्र तय करता है। व्याकरण शास्त्र नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, इन चार रूपों में शब्दों का विवेचन करता है। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, ये सब नाम के अंतर्गत आ जाते हैं। और आख्यात में सारे क्रियापद आ जाते हैं, सारी धातुएं, जिनमें सारे गण, भुवादि गण है, अदादि गण है, ज्योत्यादि गण है, चुरादि गण है, क्रियादि गण है, ये 10 गण हैं, दसों गणों के जो विकरण हैं, उन सब का ज्ञान आख्यात में आ जाता है। उपसर्ग है, जो 22 उपसर्ग है उनका प्रयोग कैसे कैसे होता है, उपसर्ग धातु बड़ा नियत प्रहार आहार संगार विहार परिहार, उपसर्ग जब शब्द के आदि में लगता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता, धातु का अर्थ बदल जाता है। जैसे हरी धातु है उसमें प्र उपसर्ग लगा तो प्रहार मानी चोट करना हो गया और हरति मानी चुराना था, हार का अलग अर्थ है, प्रहार का अलग अर्थ है, विहार का घूमना अर्थ हो गया, तो परिहार का निराकरण अर्थ हो गया। तो एक उपसर्ग जो है धातु का अर्थ बदल जाता है, तो उपसर्गों का ज्ञान भी आवश्यक है। निपात अव्ययपद है तो और प्रत्यय है, इनको सबका जब ज्ञान होता है तब जाकर के व्याकरण शास्त्र का पता लगता है। और व्याकरण शास्त्र जो है वो वेद में सहायक है, इसलिए कहा रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। शब्द का निष्पन्नता क्या करो बेटा, तो शब्द की निष्पन्नता, इसका हमें सारा ज्ञान व्याकरण शास्त्र होता है। तो व्याकरण शास्त्र हमको वेद के समझने में सहायक होता है, कौन सा कर्ता पद है, कौन सा क्रियापद है, कौन से विशेषण है, किस क्रियापद से किस कर्ता पद की व्याख्या हो रही है, तो उसमें निरुक्ति हो रही है, निर्वचन भी क्रियापदों से प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के व्याकरण शास्त्र जो है वो हमको बहुत सहायता देता है वेद को समझने में। इसलिए ब्राह्मणेन निष्कारण षडंगो वेदाध्येयो ज्येष्ठ, निष्कारणेन बिना कारण के ब्रह्म वेत्ता को ब्राह्मण को जान वेद पढ़ना चाहिए और व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण जो है वेद की रक्षा करता है। सही उच्चारण करेंगे, सही अर्थ समझेंगे तो फिर हम व्याकरण से समझेंगे। तो ये व्याकरण हो गया, संक्षेप में मैंने थोड़ी चर्चा की। अब इसके बाद शिक्षा है, व्याकरण है, तीसरा अंग है निरुक्त। निरुक्त में निर्वचन है, निरुक्त को निर्वचन को शॉर्ट में हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी एटम कर देना, एक एक टुकड़ा, टुकड़े को आगे पीछे भी करना होता है। निर्वचन बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है, बहुत बड़ा शास्त्र है ये। कैसे हम शब्द को समझेंगे, तो उस शास्त्र को समझने के लिए जैसे मान लो एक देवता शब्द, देव शब्द है, देव अकस्मात, तो कहा दानात्वा, देव का मतलब है जो दे, दीपनात्वा जो प्रकाशित करे, द्योतनात्वा जो द्योतन करे, उसका नाम देव है। ये निर्वचन की प्रक्रिया है। और फिर उसमें धातु भी आएगी, दिबु धातु आएगी है, उसका अर्थ है क्रीड़ा, बजगीसा, मोद, बस, स्वप्न, कांति, बहुत बहुत से अर्थ हैं उसके। तो इस प्रकार से हम व्याकरण शास्त्र के बाद जो निरुक्त शास्त्र है वो अर्थपरक शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र शब्दपरक शास्त्र है, शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द का अर्थ तय करता है। और वहां यह है कि अर्थ तय करना है, उसमें समाज की प्रक्रिया भी उसके अंतर्गत आ जाएगी, शब्द की जैसे यात्रा भी उसके साथ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक नदी शब्द है, तो अब यहां तो सीधा सीधा बात है, नद शब्द है और घी प्रत्यय हो गया, नदी बन गया, स्त्रीलिंग प्रत्यय बना करके, पहले तो पुल्लिंग शब्द बनाया, फिर स्त्रीलिंग लगाया, नदी बन गया। लेकिन ध्यान रखना निरुक्ति क्या है इसकी, नदनात नदी, जिसमें आवाज हो, नादन हो, नाद हो। पहली बार जब नदी बही तो पर्वतों से जो पानी
फल झरने के रूप में जमीन पर आया तो उसने आवाज की, झरझर आवाज की या टप टप आवाज की। तो जो पानी नीचे गिरा उसने आवाज की और उसमें से फिर नदी बनी, बहता गया पानी तो नदनाथ नदी। तो इस प्रकार से जो शब्द की यात्रा है उसका जो प्रयोग है वो उसके अर्थ को तय करता है। और ये अर्थ को तय करने वाला जो शास्त्र है, अर्थवाहिका जो पद्धति है, उसका नाम है निरुक्त। और तीसरा है, चौथा है कल्प। कल्प जो है वो चार भेदों में विभक्त है। एक है इसमें सूत्र ग्रंथ आते हैं। सूत्र ग्रंथों में धर्म सूत्र है, ग्रही सूत्र है, सुल्ल सूत्र है, इस प्रकार से सूत्र ग्रंथ है। तो जो धर्म सूत्र उसमें यज्ञों की व्याख्या है, ग्रही सूत्रों में यज्ञ और संस्कारों की चर्चा है, और उसके बाद सुल्ल सूत्र है उसमें वेदी वगैरह को किस प्रकार से, कितना बड़ा हवन कुंड हो, कितनी बड़ी संविदा हो, उसके आकार के हिसाब से कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, तो कैसा हवन कुंड होगा, है ना, वो चतुष्कोण होगा कि चंद्राकार होगा कि गोलाकार होगा, कौन सा यज्ञ है उसके आधार से उसकी आकृति तय होगी, ये सारा सुल्ल सूत्र हमको तय करता है। तो ये सूत्र ग्रंथ हैं, इनमें यज्ञ के तमाम विस्तृत विवेचन और जीवन के तमाम वर्णाश्रम व्यवस्था और उसमें किस वर्ण का कौन सा धर्म है, कौन सा कर्तव्य है, वो किस आश्रम में कौन सा कर्तव्य करने योग्य है, ये सारा जो है वो हमारे सूत्र ग्रंथ हमको तय करते हैं जो कल्प के अंतर्गत आते हैं। और अब इसके बाद आया छंद और ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र कहा गया है। वेद के अंगों में वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ज्योतिष। आज ज्योतिष वाले उसे वेद का अंग नहीं मानते, अब तो उसको अंगी कर दिया, वो एक व्यापार हो गया। हमारे भारतीय विद्याभवन में ही लगभग 700-800 से ज्यादा ज्योतिष में विद्यार्थी हैं। अगर आप किसी से पूछें मन से भाई आप ज्योतिष क्यों पढ़ना चाह रहे हो, तो वो आपको सीधा सा उत्तर देगा, जी दो पैसे का धंधा कर लेंगे, जन्म पत्री बना लेंगे, है ना, कुछ विवाह मुहूर्त छांट लेंगे, कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, इसलिए शायद वो ज्योतिष पढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना ज्योतिष का ये मुख्य काम नहीं है। हमारे यहाँ चंद्र ज्योतिष और सूर्य ज्योतिष दो प्रकार का ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब है गणना। जो काल की गणना है वो दो प्रकार से है। सूर्य से एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, प्रातःकाल, सायंकाल, दिन रात मिलकर के सप्ताह महीना, इस तरह से चलता है। और महीने के बाद संवत्सर, है ना, पूरा साल। पर एक चंद्र की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ खासतौर से चंद्र गणना चलती है, उसमें जो है प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, दसवीं है, दसवीं है, एकादशी है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, फिर प्रतिपदा, द्वितीया और पूर्णमासी। ये जो प्रक्रिया है ये गणना है काल की, हमारे व्यवहार के लिए काल की गणना तय की, इसका नाम ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र ये भी बताता है जैसे आपको सोम याग करना है तो तीन काल में सोम याग होता है, प्रातः सवन, माध्य दिन सवन और सायं सवन, यानी प्रातः काल का यज्ञ, मध्य काल का यज्ञ और सायंकाल का यज्ञ। तीनों सवनों में जो हमने यज्ञ करना है उसका काल क्या है, सूर्योदय से पहले आरंभ करके सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्य स्वाहा की आहुति, जब सूर्य की ज्योति प्रकट होगी उसी काल में देनी है। इसी प्रकार से सायंकाल का यज्ञ है तो उसमें अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा इस मंत्र का प्रयोग जब करेंगे जब सूर्यास्त होने लगेगा, उसका मतलब है काल का निर्णय। व्हाट इज द टाइम ऑफ द प्रातः सवन, व्हाट इज टाइम ऑफ द सायं सवन, टाइम ऑफ द मध्यान्ह सब। तो इन यज्ञों का काल निर्धारित करना, कब दर्श यज्ञ होगा, कब पौर्णमास यज्ञ होगा, कब सत्र यज्ञ होगा, कब अहीन यज्ञ होगा, कब तक चलेगा, कब उसकी पूर्णाहुति होगी, ये सब तय करना किसका काम है, ये सब तय करना जो है हमारे इस शास्त्र का काम है, ज्योतिष शास्त्र का काम है। ज्योतिष शास्त्र हमें समय की गणना करके बताएगा, काल की गणना करके बताएगा, मुहूर्त की गणना करके बताएगा, इस मुहूर्त पर यह काम करना है। जैसे आपने देखा होगा अभी शादियां विवाह हमारे होते हैं, थोड़े दिनों पहले देवोत्थान शुरू हुआ जो आजकल चल रहा है ना। देवोत्थान के वक्त हम शादियां तय करते हैं। क्या मतलब है देवोत्थान, कैसे आपको पता चलता है अब देवोत्थान हुआ है, कब
सुख डूब गए, कब देवता जो है सो गए हैं। अरे देवता ना सोते हैं, देवता जागते, ध्यान रखना। ये काल की गणना तय की कि आपको अति शीत काल में विवाह आदि प्रोग्राम नहीं करना, वर्षा ऋतु में नहीं करना, अत्यंत उष्ण काल में कोई कठिनाई नहीं होती इसलिए वहां कर सकते हो। तो वर्षा काल और अत्यंत शीत काल जो है उसमें हमने तय किया, ज्योतिष ने तय किया कि ये समय जो है वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि आदमी शरीर की रक्षा करेगा या फिर व्यवस्था करेगा। इसलिए हमारी जो वैज्ञानिक विधियां हैं सारी, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके अंतर्गत सबसे पहला विषय है मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, यानी जो गणित है ये ज्योतिष है। हमारे यहाँ खगोल शास्त्र ज्योतिष है, हमारे यहाँ भूगोल शास्त्र ज्योतिष है, भूगोल, खगोल, गणित, ये सारे जो विज्ञान है ये सारे के सारे ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो सूर्य सिद्धांत पर आधारित हो, चाहे वो चंद्र सिद्धांत पर आधारित हो, ये सारी की सारी प्रक्रिया ज्योतिष के अंतर्गत आती है। और उसी का काल और मुहूर्त का जो प्रभाव शरीर पर होता है वो भी उसके अंदर बताया गया है। तो मैंने आपको थोड़ा सा ज्योतिष जो वेद में कैसे सहायक होता है, ज्योतिष शास्त्र हमारे यजुर्वेद के में वर्णित जो कर्मकांड है, वेद के मंत्रों का विनियोग है, वो किस काल में कौन से मंत्र का प्रयोग होगा ये तय करने के लिए ज्योतिष शास्त्र है। और छठा जो वेद का अंग है उसका नाम है छंद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। छंद तो वेद का नाम ही है, छंद के ज्ञान के बिना आप वेद का समुचित उच्चारण नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गायत्री का एग्जाम्पल आपको देता हूं, ये सबको आता है इसलिए वही बात कर रहा हूं। गायत्री मंत्र और गायत्री छंद, तो गायत्री छंद जब आपको बोलना है तो ये त्रिपदा है, जो संपूर्ण गायत्री है वो त्रिपदा है, तीन पद है उसमें। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आठ आठ अक्षर हैं, संयुक्ताक्षर एक में ही गिना जाता है, आप लिख के गिन ले से फिर मुझे बताएं। या यही है अग्निवीर्य पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम अग्न आया हि वीतये नृणानो हव्यदातये निहोता सस्य वर्हिषि, सब गायत्री छंद। वेद में सबसे अधिक अगर कोई छंद प्रयोग हुआ है तो वो गायत्री हुआ है, और गायत्री के बहुत रूप है ये बता दूं आपको। खास तौर से जो गायत्री मंत्र है इसमें भी गायत्री छंद जो है वो पूर्ण नहीं है, संपूर्ण गायत्री छंद नहीं है, इसमें एक मात्रा कम है, 23 अक्षर है, क्योंकि जो हलंत अक्षर होता है गिना नहीं जाता, अब आप गिन लीजिएगा। तो उसको निचरत गायत्री कहते हैं, एक मात्रा कम हो और एक मात्रा ज्यादा हो, 24 से 25 हो तो वह भूरिक गायत्री हो गए। इस तरह एक छंद कहां हमने उसको निचरत गायत्री पढ़ा है, कहां हमने उसको भूरिक गायत्री पढ़ा है, कहां हमने जो है वो विराट गायत्री पढ़ा है, तो मंत्रों के उच्चारण में हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित में, और कहां यति करनी है। तत् सवितुर्वरेण्यम, आपको लगा जैसे यहां विराम आ गया, तो विराम नहीं आया, ये यति है। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, यहां विराम है, धियो यो न प्रचोदयात्, यहां पूर्ण विराम है। तो आपने मंत्र में देखा तीन पद हो गए, तत् सवितुर्वरेण्यम एक पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा पद, ये त्रिपदा हो गया गायत्री। ऐसे सात छंद वेद में मूल हैं और उन छंदों के फिर भेद हैं, है ना, उसमें भेदों में निचरत है, भूरिक है, इस तरह से भेद होते चले जाएंगे। सात छंद है आपके हैं, गायत्री है, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, पंक्ति है, बृहति है, जगती है, सात छंदों में चारों वेदों के मंत्र विद्यमान हैं। तो छंदों का ठीक ज्ञान होने से आपको पता चल जाएगा अगर छंद का ज्ञान है तो वेद का मंत्र है या कुछ अलग है। लौकिक जो छंद है उनमें और वैदिक छंदों में केवल एक छंद लगभग एक जैसा ही है, उस छंद का नाम है आपका अनुष्टुप। अनुष्टुप लोक में भी बहुत प्रयोग हुआ, क्योंकि वेद के साहित्य के बाद जैसे ही लौकिक साहित्य शुरू हुआ तो छंद कहाँ से लाते वो, तो उनके पास एक वैदिक छंद मौजूद था अनुष्टुप, जो सबसे सरल था, 32 अक्षरों का होता है, आठ आठ अक्षर एक एक पद में होते हैं, और चतुष्पद छंद जो है वो लोक में है, लोक में त्रिपदा या पंचपदी या षटपदी छंद नहीं है।
वहां चार ही पदों के छंद हैं, चतुष्पद छंद हैं, और लोक के चतुष्पद छंदों की गेयता डिफरेंट है और वेद की गेयता डिफरेंट है। तो ये छंद शास्त्र से आपको वेद के उच्चारण की सही प्रक्रिया, कहां यति है, कहां विराम है, कहां गति है और कहां उदात्त है, कहां अनुदात्त है, वहां कहां स्वरित है, इसका ज्ञान हमको छंद शास्त्र से होता है। तो छंद ये आपके वेदांग हो गए। तो जो वेद के अंग हैं, इनसे वेद को समझने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। तो हमने वैदिक साहित्य में वेद, उपवेद, ब्राह्मण और आरण्यक और रह गए बीच में। आरण्यकों का नाम वही है जो ब्राह्मण ग्रंथों का नाम है लगभग, और उन आरण्यकों में उनकी आध्यात्मिक की चर्चा है, और उसके बाद आया ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और उसके बाद वेदांग, और फिर उपांग, फिर उपनिषद। अब जरा उपांग की चर्चा और करते हैं आपको सब। जो उपांग है उसका क्या मतलब है? अंगों के उपमनि समीप में। इन वेदांगों को समझने के लिए, अब वेद को समझने के लिए एक उपांग भी है, इनको दूसरी भाषा में कहते हैं दर्शन, उनको दर्शन भी कहते हैं। ये षड दर्शन है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, वेदांत है और मीमांसा है। ये जो षड दर्शन है, ये षड दर्शन उपांग कहलाते हैं। इनसे भी वेद को समझने में बड़ी सुविधा रहती है। जैसे मान लो एक हमने वेदांत का सूत्र पढ़ा, और उसमें पढ़ा हमने सूत्र जो है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का, मुझे ब्रह्म को जानने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा ब्रह्म की जानने की इच्छा है, तो सूत्र का उत्तर दिया उन्होंने। अगले सूत्र में जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, उन्होंने कहा जन्माद्यस्यतः, दूसरा सूत्र, कि यतः माने येन ब्रह्मणा अस्य संसारस्य जन्म आदि वर्तते तद ब्रह्म लक्षण। परमात्मा का लक्षण है जो सारे संसार के जन्म आदि का कारण है। अब सूत्र में ही कह दिया। अब ये देखियो तैतरीय उपनिषद की व्याख्या है ये, या वेद के मंत्र की व्याख्या है। क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंपिशन्ति तद ब्रह्म लक्षणं तद विजिज्ञासस्। जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है, जिससे सारा संसार उत्पन्न होकर जीवित रहता है, और जिससे सारा संसार प्रलय को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, कहते हैं ये तीनों काम परमात्मा के हाथ में है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कर्ता कौन है? ब्रह्म है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जीवन और मरण की व्यवस्था उस प्रभु के हाथ में, और सरल शब्दों में उन्होंने कहा। तो यही बात जो है वेदांत दर्शन ने कही, उन्होंने कहा जन्माद्यस्यतः यतः येन ब्रह्मणा अस्य संसारस्य उत्पत्ति स्थिति भंगम वर्तते तद ब्रह्म लक्षणम तद विजिज्ञासस्। तो इस प्रकार से हमने इस एक दर्शन के एक सूत्र से उन मंत्रों को हमने समझा जो परमात्मा के स्वरूप को तय करते हैं। यो भूतंच भव्यंच सर्वम यश्चाधितिष्ठति, वेद का मंत्र है ये, जो वर्तमान भूत और भविष्य सबका जो अधिष्ठाता है, सब जिसके हाथ में विद्यमान रहता है। तो आप जरा सोचिएगा कि हमारे पास जो वेद मंत्र में है उसको हमने सूत्र के द्वारा समझ लिया। तो दर्शन वेद को समझाने की प्रक्रिया, तो उपांग कहलाते हैं। ये छह उपांग हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं न्याय का थोड़ा सा। न्याय क्या है? कहते हैं न्याय की परिभाषा है प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्यायः। परिभाषा दी न्याय दर्शन कि प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना क्या है? न्याय है। अब प्रमाण क्या है? जब कोई परीक्षा, कभी कभी कोई अर्थ हम कर रहे हैं, कोई विषय हम समझ रहे हैं, उस विषय को समझने के लिए प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अनुमान प्रमाण है कि कोई उदाहरण देकर के समझाया है, उपमान प्रमाण है या शब्द प्रमाण है, वेद ही इसमें प्रमाण है। तो ये चार प्रमाण योग न्याय दर्शन में हम लोगों के, इसलिए प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। सबसे प्रमुख जो उसका विषय है वो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब देखो हम जो सामान्य लोग हैं वो प्रत्यक्ष को भी नहीं जानते, और तो दुनिया की बात छोड़ दो, क्यों नहीं जानते? जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? इसमें दो शब्द हैं, एक प्रति है और एक अक्ष है। हमारी समझ में आया जो आंख से दिखाई दे वही क्या है? प्रत्यक्ष। जो आंख से दिखाई दे वही प्रत्यक्ष नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप मेरे व्याख्यान को प्रत्यक्ष सुन रहे हो कि नहीं? आप सुन रहे हो, तो सुन रहे हो कि देख रहे हो? देख तो मुझे रहे हो, पर मेरा व्याख्यान सुन रहे हो।
हमने तो प्रत्यक्ष सुना है? हमने साक्षात कानों से सुना, हमने सुनकर देखा, हमने चक्कर देखा, हमने छूकर देखा, सब में देखा देखा है। इसका मतलब प्रत्यक्ष चार छह प्रकार का है, है? एक श्रोत चाक्षुष प्रत्यक्ष है, एक श्रोत्र प्रत्यक्ष कान से शब्द का प्रत्यक्ष होता है, और हवा का प्रत्यक्ष जो है वो आंख से भी नहीं होता, कान से भी नहीं होता, वो होता है त्वचा से। ठंड है कि नहीं ये हमको पता लगता है, पानी ठंडा है कि गर्म है, जब उंगली डालेंगे स्पर्श का ज्ञान से गंध का होता है। पता हमको मन से चलता है। आपने गुड़ खा लिया भाई, गुड़ खाया, बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, स्वाद बहुत स्वाद बना खाना, तो बोले कैसा, अरे माया आ गया, आनंद आ गया। अबे आनंद तो आ गया, कैसे पता चला तुमको? तुम्हारे मन ने अनुभव किया कि समझे वाह वेरी मच टेस्ट, रसना ने उसको चखा, उसमें मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त का ज्ञान प्राप्त किया और उसने अंदर भेज दिया, उसने आनंद की अनुभूति करा दी। ये मानस प्रत्यक्ष है। गुड़ मीठा है नहीं है इसका पता हमको मन से लगता है। तो छह प्रत्यक्ष हैं, मंत्र में भी इसका वर्णन आता है। जन्मे छिद्रम चक्षुषा हृदयस्य मनसो वातत्रणम बृहस्पतिर् मे तद्दधातु सन्नो भवतु वर्णस्यस्पति। मैं मंत्र की व्याख्या करूंगा तो एक मंत्र एक घंटा ले जाएगा, इसलिए मंत्र का मैं कोट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एट ए ग्लांस आपको वैदिक लिटरेचर की चर्चा कर रहा हूं। तो ये हमारे यहां प्रमाण शास्त्र प्रत्यक्ष, और प्रमाण में दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या मतलब? प्रत्यक्षान अनुमीयते, कहते हैं अनुमीयते का मतलब क्या है, अनुमान का क्या मतलब है? कहते हैं एक व्याप्ति नियम है कि हमने कभी धुएं को और आग को एक साथ देखा, आग जहां लग रही थी वहां धुआं हुआ, आज भी दिखाई देता है, पर हमने वहां तो आग और धुआं को एक साथ देखा था, फिर हमने कहीं धुआं देखा, धुआं देखा तो हमको क्या अनुमान हुआ, यहां आग लगी है। ये आग लगी है का अनुमान हमको धुआं देखने से हुआ, और हमारे दिमाग में बात आई थी यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है। एक व्याप्ति एक नियम हमारे दिमाग में बैठ गया, और जब जब हमने धुआं देखा तब तब हमने आग का अनुमान लगा दिया। ये अनुमान प्रमाण है। प्रत्यक्ष तो है उसमें मूल रूप से, लेकिन उसके बाद उसका अनुमान है। और अब इसके बाद है उपमान प्रमाण। मैं बहुत संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं। उपमान का मतलब है हमने खेत में नील गाय देखी, हमारे छोटे बच्चे ने पूछा ओ ओ पापा पापा ये कौन सा जानवर है? हमने कहा बेटा ये नील गाय है। तो उसका ध्यान गया हमारे घर में जो गाय है वो तो ऐसी नहीं है, ये तो कुछ और है। उन्होंने कहा यथा गो तथा गवयः, नील गाय वो होती है जो गाय के जैसी होती है, लगभग ऐसे गलकंबल होता है, ऐसे कान नाक सींग टांग होती है। तो ये उपमान जब हम देते हैं, तुलना जब हम करते हैं, तब हमको उपमान प्रमाण हो जाता है। और चौथा जो प्रमाण है न्याय दर्शन में वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? कहते हैं शब्द दो तरह का, आप्त वाक्यम शब्दः, जो महान पुरुषों के शब्द हैं वो शब्द प्रमाण हैं। अब महान कौन है ये पता बड़ा कठिन है, आप तो मुझे ही महान मान लेंगे या मैं अपनी बड़ी बहन जी को शशि प्रभा जी को महान मान लूंगा, लेकिन कहते हैं वो जिसके लिए और कोई प्रमाण की आवश्यकता, जो स्वतः प्रमाण है वो शब्द जो है प्रमाण है, और वो क्या है? वेद है। वेद स्वतः प्रमाण है, उसके लिए फिर और कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, इसलिए वेद के शब्द शब्द प्रमाण है। तो मैंने आपको ये न्याय शास्त्र का की चर्चा की, अब वैशिष्ट की चर्चा थोड़े संक्षेप में कर लेता हूँ, लेकिन तेजी से घड़ी भागे चली जा रही है, अभी तो मुझे प्रतिपाद्य भी कहना है आपको। तो जो दूसरा है वो है वैशेषिक शास्त्र, दूसरा उपांग। वैशेषिक है पदार्थ शास्त्र मेटाफिजिक्स, इसमें सात पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। ये जो सात पदार्थ हैं इनका नाम है पदार्थ शास्त्र वैशेषिक शास्त्र। वैशेषिक शास्त्र में इन पदार्थों के धर्मों का हमें पता करना होता है, कौन कौन पदार्थ का कौन सा धर्म है। जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म है जलाना, अग्नि का धर्म है ऊर्जा पैदा करना, अग्नि का धर्म है प्रकाश को करना। अब ये अग्नि का धर्म जब हमको पता रहेगा तब हम निश्चित रूप से समझ लेंगे कहाँ हमको ऊर्जा चाहिए, अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ हमको
प्रकाश चाहिए, हम अग्नि जलाएंगे। तो ये अग्नि के धर्म जो हैं हमारे शरीर को, जीवन को, संसार को चलाने में हमें बड़ा काम देते हैं। सारा आयुर्वेद शास्त्र, सारा आयुर्विज्ञान पूरा का पूरा ये पदार्थ शास्त्र पर डिपेंड करता है। तो द्रव्यों की जानकारी, गुणों की जानकारी, कर्मों की जानकारी, समवाय भाव की जान, एक दूसरे से तारतम्य क्या है, परमाणु तक का ज्ञान, सारा का सारा वैशेषिक शास्त्र के अंतर्गत है। तो ये जो वैशेषिक दर्शन है ये साधर्म और वैधर्म का ज्ञान कराता है। इसलिए उन्होंने कहा यह तो अभ्युदय निःसृत सिद्धि सधर्म, धर्म वो है जो अभ्युदय और निःसृत दोनों करा दे। अभ्युदय का मतलब होता है इस भौतिक अचीवमेंट, ये भी हमको इससे प्राप्त होता है। वेद में कितने सारे मंत्र हैं जो भौतिक विषयों की प्राप्ति के लिए उसमें उल्लिखित हैं, और कितने सारे मंत्र हैं जो आध्यात्मिक उन्नति का हेतु हैं। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का लक्ष्य तो चतुर्विध है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो पुरुषार्थ चतुष्टय है इसकी प्राप्ति जिस शास्त्र से होती है उसी का नाम तो वेद है, और उसके जानने के लिए पदार्थ शास्त्र बहुत आवश्यक है। पदार्थों का साधर्म और वैधर्म, इन दोनों का ज्ञान जो है वो इससे होता है। जब साधर्म और वैधर्म का ज्ञान हो जाता है, व्हाट इज पॉजिटिव व्हाट इज नेगेटिव फॉर अस, हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव, शरीर की प्रकृति के हिसाब से हम साधर्म वस्तु के धर्म और साधर्म वैधर्म को जान करके उसका प्रयोग करते हैं, तब हम जो है सुख प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। और फिर सही जानकारी होने के बाद हम निःश्रेय को भी कारण बनाते हैं, मोक्ष का भी प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से जो वैशेषिक दर्शन है, ये पदार्थ शास्त्र है, मेटाफिजिक्स है, वो हमको इसकी नॉलेज देता है। और तीसरा जो उपांग है वो है सांख्य दर्शन। आप लोगों ने गीता बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार सुनी होगी, तो वहाँ सांख्य का उल्लेख आता है। सांख्य शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। सांख्य का मतलब है ज्ञान योग, सांख्य का मतलब है संन्यास योग, सांख्य का मतलब है संख्या योग। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, जो संख्या इसलिए है कि सांख्य दर्शन में सबसे अधिक संख्या है पदार्थों की, 25 तत्व हैं उसमें, बाकी सब में कम है। न्याय में 16 हैं, वैशेषिक में 7 हैं, वेदांत में तो एक ही है ब्रह्म। तो इसमें जो पदार्थ हैं वो 21 हैं, 25 पदार्थ हैं सॉरी। और इन पदार्थों का उल्लेख सबसे सर्वाधिक होने के नाते भी इसका नाम सांख्य है, और सांख्य योग दोनों जुड़े हैं। इसका मतलब ज्ञान और योग ये दोनों एक साथ अगर आपके पास हैं तो परमात्मा की प्राप्ति और संसार की सफलता निश्चित रूप से है। तो ये सांख्य और योग का जोड़ा कहलाता है। सांख्य शास्त्र हमको क्या करता है, उसका लक्ष्य है त्रिविध दुख आत्यंत की निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अभी हम वैशेषिक शास्त्र पढ़ के आए, उसमें हमने पदार्थों का साधर्म वैधर्म पढ़ लिया, लेकिन बावजूद हमको जुकाम हुआ तो हमको पता था कोल्ड ड्रिंक लेना है ना, कोई जुकाम की दवाई लेनी है, गर्म पानी लेना है। लेकिन एक आजकल जो वायरस आया है, क्या नाम है इसका, कोरोना, ये तो गर्म पानी से भी काबू में नहीं आता, ये तो दवाइयों से भी काम नहीं आता। अब क्या करें, इसके लिए इंजेक्शन तैयार चल रहा है, लेकिन वो इंजेक्शन जब तक काम करेगा तब तक कोई और वायरस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सांसारिक औषधियां हैं, दवाइयां हैं, ये अत्यंत की निवृत्ति नहीं करती, ये समसामयिक निवृत्ति करते हैं, थोड़ा सा करती हैं, और एकांत पर निश्चित रूप से लाभ हो जाए जरूरी नहीं है। अभी जो दवाइयां बन रही है उसमें सब में लिखा है 95% इंजेक्शन काम करेगा, 94% करेगा, 60-70% करेगा, इसका मतलब 100% गारंटी नहीं हुई ना, तो एकांत की निवृत्ति नहीं हुई। इसका मतलब जो आतंत की और एकांत की निवृत्ति करे तीनों दुखों की, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उसका नाम सांख्य शास्त्र है। और वो है क्या, व्यक्त्या व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा का ज्ञान। व्यक्त का मतलब है जो दुनिया हमको दिखाई दे रही है, अव्यक्त का मतलब है प्रकृति, यानी इस दुनिया का मूल। अगर हम प्रकृति देखो क्या करता है डॉक्टर, आपकी सारी जो सारी पैथियां हैं, सारी पैथियों में शरीर की प्रकृति देखी जाती है। आयुर्वेद प्रकृति देखता है, सत्व प्रधान है, रज प्रधान है, या मतलब क्या कहते हैं, वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, कैसा इसका शरीर है, जो शरीर में नसों से अंदाजा लग जाता है, और फिर जो है उसकी औषधि हम देते हैं। लेकिन औषधि काम कर भी जाती है और नहीं भी करती, कभी कभी कर जाती है, और करती है तो एक हफ्ते, 15 दिन, महीना, 6 महीना, 10 साल, 20 साल, आजीवन का तो कोई गारंटी डॉक्टर लेगा नहीं। इसका मतलब है आतंत की और एकांत की जो निवृत्ति है वो कैसे होगी,
उसके लिए तीन बातें हैं, व्यक्ता व्यक्तज विज्ञानात्, व्यक्त का ज्ञान, अव्यक्त का ज्ञान और ज्ञा मानी परमात्मा का ज्ञान। तो अव्यक्त कहते हैं प्रकृति को, व्यक्त कहते हैं सृष्टि को, इस संसार का और उनकी प्रकृति का, और परमात्मा का जो ज्ञान है ये हमको दुखों से पूरी तरह छुड़ा देता है। ये सांख्य दर्शन का ज्ञान है। न्याय और फिर योग, योग को मैं बहुत संक्षेप में चार पांच वाक्यों में कह देता हूं, क्योंकि हमारे पास योग शास्त्र अपने में एक एक सूत्र एक एक घंटे का व्याख्यान वाला है, अब कैसे करूं उसको, मैंने शॉर्ट तैयार किया है। क्योंकि अगर हम संक्षेपीकरण सीखें तो हमारी बहन जी ने हमको दो घंटे का आदेश दिया है, दो घंटे में आपको अपना विषय पूरा करना है, तो विषय पूरा करने के लिए जो हमारे समय की सीमा है उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो हमने बताया आपको जो योग दर्शन है वो दो प्रकार का है, एक बहिरंग योग और एक अंतरंग योग। आज सारी दुनिया में रामदेव जैसा योगाचार्य या और दुनिया के जितने योग के प्रशिक्षक हैं वो केवल आधे योग की, आधे से भी आधे योग की चर्चा कर रहे हैं। उसका नाम है बहिरंग योग का अर्धांग योग, अर्ध योग। बहिरंग का भी अर्ध है, तो बहिरंग योग में क्या है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ये बहिरंग योग है। हम सारे योगा को दो ही चीजों में निपटा देते हैं, इसके समय आसन में और प्राणायाम। और प्राणायाम भी स्वामी जी ने जोड़ दिया रामदेव जी ने, ना पहले तो हम आसनों में काम चला लेते तो उसी को योगा समझते थे, ऐसे हाथ कर लें, ऐसे पैर कर लें। तो ये जो योग है ये बहिरंग योग है, शरीर को बैठने के लायक, एकाग्र होने के लायक साधना में आप बैठ सकें, कहीं ऐसा ना हो कि आसन से बैठे तो पहले गोड़ा में पीड़ होने लगी, तो ऐसी स्थिति में तो आप योग कर नहीं सकेंगे। इसलिए आसन जरूरी है, प्राणायाम से आपकी शक्ति एकाग्रता की बढ़ेगी। तो ध्यान रखना ये जो बहिरंग योग है ये अंतरंग योग का साधन, रास्ता है, मार्ग है, द्वार है, इसके द्वार से ही हम अंतरंग योग को जाएंगे। पर इस अंतरंग योग का यम और नियम, इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम और नियम की चर्चा बहुत कम करते हैं। अब उसका हम व्याख्यान शुरू करें तो हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है, मैंने नाम मात्र केवल नाम संकीर्तन किया है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहां तक हम, ये है बहिरंग योग। अब इस बहिरंग योग से अंतरंग योग में प्रवेश करने के लिए एक द्वार है, उस द्वार का नाम है प्रत्याहार। प्रति आहरंत इंद्रियाण ये भ्याह, जिन विषयों से इंद्रियां लौट कर चली आती हैं, उसका नाम प्रत्याहार है। और ये प्रत्याहार का काम करता है स्वाध्याय और साधना, ये बराबर हमको इंद्रियों को उधर से लौटाने की कोशिश करती है। और प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग है। ये अंतरंग योग है, युज समाधौ, योग का मतलब है समाधि, वो समाधि लक्ष्य है। और उसको प्राप्ति के लिए ये तीन चीजें चाहिए, हम धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान मेडिटेशन और धारणा, एकांतता, तारतम्यता, लगातार एक विषय पर आप डटे रहें, इसका नाम धारणा है। और इस धारणा के बाद जब उस पर आप स्थिर होने लगते हैं तब ध्यान होता है, और थोड़ा थोड़ा इसमें बारीक रेखा है, उसके बाद समाधि। समाधि दो तरह की है, एक संप्रज्ञात है और एक असंप्रज्ञात है। तो संप्रज्ञात समाधि, उसमें शरीर का बोध रहता है, असंप्रज्ञात में शरीर का बोध भी नहीं होता, समाधि लग जाती। तो इस प्रकार से ये योग दर्शन मैंने बहुत बहुत फटाफट फटाफट वाले न्याय से आपके सामने रख दिया है। फिर जब एक एक शास्त्र पर चर्चा होगी तो एक एक सूत्र की चर्चा करेंगे, यहाँ उसका हमारे पास अवसर नहीं है। तो न्याय, वैशिष्ट, सांख्य योग, वेदांत और मीमांसा को दो दो वाक्यों में समाप्त करता हूँ, समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो वेदांत जो है वो ब्रह्म शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, शंकराचार्य लिखते हैं कि जो उपनिषदों का, वेदों का जो प्रामाणिक भाग, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसी का नाम उपनिषद है और उसी का नाम वेदांत है। वेद का अंत, वेद के अंत का मतलब है वेद का आखिर वो क्या है, मूल, जिधर जिधर वेद ले जाना चाहता है वो है परमात्मा की प्राप्ति। और ये परमात्मा की प्राप्ति का, परमात्मा के स्वरूप को जानने का रास्ता जो है ये वेदांत है। इसीलिए उसमें कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, और उसमें फिर बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो ये वेदांत ब्रह्मशास्त्र है, और एक है मीमांसा शास्त्र। चूंकि कर्मकांड जो है हमारा, कर्म का जो विस्तार है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। जितने भी यज्ञ हैं
उनका विधान विधिवत सलीके से तरीके से नियम से कैसे किया जाए ये मीमांसा शास्त्र आपको तय करता है। उसके रिजल्ट क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कराने वाला ब्रह्मा कौन है, यद्वरी कौन है, उद्गाता कौन है, इन सब का उल्लेख जिन शास्त्र में है। तो ये षड दर्शन जिसे हम कहते हैं आस्तिक दर्शन, भारत के भारत का ये पूल जिसे कह रहे हैं सोच है, ये वे उपांग है। अब ये हम अब लोग उपांग तक पहुंचे हैं और आगे है उपनिषद। उपनिषद का केवल नामोल्लेख मात्र करके फिर मैं वेद के प्रतिपाद्य पर आता हूं। तो ये जो उपनिषद हैं, यद्यपि आजकल इनकी संख्या 100 को पार कर गई। कुछ दिनों पहले मैं सुनता था जब छोटा था 108 उपनिषद हो गए हैं, और अभी का सुनने में आता है वो तो उसको भी पार कर गए हैं। तो पुराण और उपनिषद दो ऐसे अद्भुत क्षेत्र हैं जिसमें लोगों ने बस खूब दबा के कबड्डी खेली है। तो हम वहां तक रखते हैं इसको जहां तक शंकराचार्य जी ने अपना अपनी कबड्डी खेली और सारे आचार्यों ने जिन्हें प्रामाणिक माना है वेद के आधार पर, वो जो 11 उपनिषद हैं। मैंने भी उन्हीं का अध्ययन किया है, एक आध और सांडिल्य वगैरह का थोड़ा बहुत अवसर लगने पर पढ़ा अध्ययन किया, लेकिन आपको 11 की चर्चा कर देता हूं। 11 उपनिषद के नाम है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुग्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय, तैतरीय और श्वेताश्वतर। ये 11 हुए कि नहीं? तो ये 11 उपनिषद जो हैं ये प्रामाणिक है, इस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है और श्री दयानंद जैसे व्यक्ति ने भी, साईं जी जैसे आचार्यों ने भी इनको प्रामाणिक माना है। तो ये 11 उपनिषद यहां तक वैदिक साहित्य है, ये तो वैदिक लिटरेचर है। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, दर्शन, वेदांग जिसमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, तो ये 6 अंग, और इसके अलावा ये उपनिषद, यहां तक वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर है। अब इस वैदिक लिटरेचर की जो हमारे पास 20-25 मिनट है उसमें थोड़ी सी झांकी मैं आपको वेद के प्रतिपाद्य में देता हूं। एक एक वेद का प्रतिपाद्य पर 5-5, 7-7 मिनट लगाता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं आखिर ये वैदिक लिटरेचर क्यों इंपॉर्टेंट है। हम जो ये कहते हैं ऋषि दयानंद ने कहा वेक टू द वेदाज, या साईं ने कहा कि इस संसार में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए जो शास्त्र प्रामाणिक है उसका नाम वेद है। तो वेद जो है वो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करेगा, तो अनिष्ट के परिहार और इष्ट की प्राप्ति का कैसे साधन है वेद, इसका छोटी सी झलक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले ऋग्वेद का प्रतिपाद्य, क्योंकि ये तो मेरा पठन पाठन का मुख्य ग्रंथ रहा, थीसिस का भी ये बेस रहा, तो मैं ऋग्वेद पर थोड़ा सा छोटा सा उल्लेख करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। पूरे प्रतिपाद्य को करना तो बड़ा कठिन है, 10,552 मंत्र हैं, 10 मंडल और 228 सूक्त हैं। अब इनमें बड़े बड़े प्रमुख विषय हैं, उन प्रमुख विषयों में से थोड़ी थोड़ी चर्चा में आपके सामने करूंगा ऋग्वेद की, ऋग्वेद के प्रतिपाद्य की। तो मैं इन सारे विषयों को 4 भागों में बांट लेता हूं, पूरे ऋग्वेद के प्रतिपाद्य को 4 भागों में बांट लेता हूं। पहला प्रतिपाद्य है आध्यात्मिक। आम तौर पर दुनिया यही समझती है कि वेद जो है वो धार्मिक ग्रंथ हैं और उसमें केवल जो है पूजा पाठ यही सब है, तो ये भी है, इसमें दो राय नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसमें आध्यात्मिक जो सूक्त हैं, चाहे सारे 228 सूक्तों को मैं 4 भागों में बांट रहा हूं समझने के लिए, ऐसा नहीं है डिवीजन किसी और ने नहीं किया है, ये तो हम समझ के लिए कर रहे हैं, ऐसा वेद में कोई डिवीजन है भी नहीं, बीच बीच में सब तरह के सूक्त हैं। तो आध्यात्मिक जो सूक्त हैं वो हैं देवताओं के सूक्त, जैसे अग्नि सूक्त, जैसे रुद्र सूक्त, जैसे सविता सूक्त, जैसे वरुण सूक्त, जैसे इंद्र सूक्त, जैसे बृहस्पति सूक्त, जैसे वाक सूक्त, ये सरस्वती सूक्त आध्यात्मिक सूक्त हैं। इनमें इन देवताओं की स्तुति है और इन देवताओं की स्तुति के माध्यम से प्रकृति का पूरा वर्णन है। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोच यानी चकार प्रतिमान वज्री। मैं इंद्र के उन पराक्रमों को कहता हूं जो
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क का कुछ इशू होगा, अभी देखते हैं, 2 मिनट देखिए। हरि ओम मैम। ठीक है मैम। शायद उन्होंने म्यूट कर लिया है गलती से। राजीव जी, मैम वो नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क चला नहीं नहीं गया। म्यूट दिख रहा है उनका, क्या म्यूट है? नहीं म्यूट नहीं है, वो पॉज हो गया है। अब अच्छा आवाज दोबारा ज्वाइन करेंगे। चला गया था। आ गया आ गया आ गया आ गया। वही हमने बोला कि नेटवर्क का कुछ इश्यू रहा होगा। जी अच्छा, आदरणीय बहन जी विराजमान, उनका आशीर्वाद से तो बोल लूं। नहीं, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। हाँ नेटवर्क चला गया था, आ गया, उस पर लिखा हुआ आ गया। तो नेटवर्क आ गया है भाई, और नेटवर्क वाले बड़े समझदार हैं, उन्होंने सोचा बेचारा पंडित जी थक गया होगा, तो थोड़ा सा बीच में विराम मिल गया, बड़ा आनंद आ गया। तो अभी मैं चर्चा आपको कर रहा था कि ऋग्वेद का प्रतिपाद्य। तो ऋग्वेद के प्रतिपाद्य में मैंने सारी ऋचाओं को चार विषयों की दृष्टि से चार भागों में बांटा। एक है आध्यात्मिक, तो जो आध्यात्मिक प्रतिपाद्य है वो इन सूक्तों में है। मैं एक इंद्र की चर्चा आपको कर रहा था, थोड़ा इसको हटा दूं। तो अरे बाप, इंद्र सूक्त में इंद्र शब्द मूल से चार अर्थों में विशेषता है। एक है परमात्मा के अर्थ में, और इदी परमेश्वरीय, पाणिनि ने इसको स्वीकार किया। तो जो परमेश्वर है, जो परम ऐश्वर्यवान है, वो इंद्र है, तो परमेश्वर के अर्थ में है। जिसके पास परम ऐश्वर्य, हम सबके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्या राय के पास भी ऐश्वर्य है, और आप लोगों पर भी कई प्रकार का ऐश्वर्य है। कोई बहुत खूबसूरत है, किसी के पास बड़ा बढ़िया मकान है, किसी पर बहुत पैसा है, और किसी पर हमारी बहन जी के जैसा अतुल्य ज्ञान है। तो हर एक प्रकार का ऐश्वर्य सबके पास थोड़ा थोड़ा है, लेकिन परमात्मा परमेश्वर है, परम ऐश्वर्यवान है। तो इदी परमेश्वर्य से इंद्र शब्द बना है, और वह परमेश्वर का वाचक है। एक और भी है, इंधि दीप्तव, जो प्रकाशवान है वो इंद्र है, जिसमें दीप्ति है, जो सूर्य के अर्थ में जाता है। तो इंद्रमानी परमात्मा, इंद्रमानी सूर्य। और इंद्र का दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ देखिएगा, कहते इंद्रियाणाम या अधिष्ठाता स इंद्रः। इंद्र वो भी है जो इंद्रियों का अधिष्ठाता है। अब इंद्रियों का अधिष्ठाता कौन है? कहते इंद्रियों का अधिष्ठाता है मन, और मन का अधिष्ठाता कौन है? बोले बुद्धि। और बुद्धि का अधिष्ठाता कौन है? बोले आत्मा। गीता में इसका वर्णन आया है, वो परतत्त्व सः। तो ये जो आत्मा है, ये सारी इंद्रियों का अधिष्ठाता है, पूरे शरीर का अधिष्ठाता है। इसलिए ये जो आत्मा है, इसको भी इंद्र कहते हैं, और वेद में इन सब के प्रमाण मौजूद हैं। मैंने जो अपनी वैदिक देवशास्त्र तैयार किया है, उसमें इसके सब के प्रमाण दिए हैं। और चौथा एक अर्थ है इंद्रमानी राजा, तो राजा के अर्थ में भी इंद्र है, क्योंकि राजा के पास ऐश्वर्य भी है, राजा के पास दीप्ति के साधन भी हैं, तो वो भी सम्राट है इन सबका। तो इसलिए इन चार मुख्य अर्थों में इंद्र शब्द है। अब कहाँ ये मंत्र का अर्थ योग होगा, ये विद्वान जब उसको पढ़ेगा तब उसको पता चलेगा। तो हमारे पास ये आध्यात्मिक जो मंत्र हैं, इंद्र देवताओं की स्तुति के, इसमें इंद्र की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, सविता की स्तुति है, रुद्र की स्तुति है, वरुण की स्तुति है, विष्णु की स्तुति है, बृहस्पति की स्तुति है,
इन तमाम मंत्रों में इनके स्वरूप का वर्णन और उनकी स्तुति का मतलब ही होता है उसके विषय में कथन। देखो ऋषि दयानंद ने एक जगह लिखा है स्तुति की व्याख्या, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना स्तुति। अगर मैं आपको और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा कहना निंदा है, स्तुति और निंदा। तो वेद में इन देवताओं का जब वर्णन आया है वही इसकी स्तुति है, और वो स्तुति परमात्मा परक है, आत्म परक है, देव परक है, प्रकृति के पदार्थ परक है, वो हमको मंत्र के आधार पर उसको देखना पड़ेगा। तो एक तो ये आध्यात्मिक मंत्र है। एक मंत्र को अगर पकड़ूंगा तो फिर वो थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा, इसलिए मैं अगले प्रतिपाद्य पर चलता हूं। वो चारों वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रतिपाद्य करना है। एक है दार्शनिक सूक्त। वेद में, ऋग्वेद में खास तौर से दार्शनिक सूक्त विशेष है, और उन दार्शनिक सूक्तों में नासदी सूक्त और इसके अलावा आप बोले तो हिरण्यगर्भ सूक्त और उसके अलावा उसमें भाववृत्त के अलग सूक्त भी है, एक तो इसको भी भाववृत्त कहते हैं नासदी सूक्त को, और पुरुष सूक्त। ये कतिपय सूक्त दार्शनिक सूक्त है। परमात्मा के स्वरूप की चर्चा, रतन सत्यन चाविधा तपसोदया ततो रात्र जायत तथा समुद्र अणवा समुद्रणवा दत्त संवत्सर अजायत अहो रात्रण विश्वतो बसी। ये ऋग्वेद के दशम मंडल में जो भाववृत्त सूक्त है चार मंत्रों का, उस सूक्त में इन मंत्रों का वर्णन है। और यहाँ कैसे सृष्टि हुई, ऐसे नासदी सूक्त है, पहले सत था कि असत था, न सत था न असत था तो क्या था, बोले जो था वो ही जाने क्या था। तो इस प्रकार के जो दर्शन है, सूक्ष्म विवेचन है, वो नासदी सूक्त में है। और एक है हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, वही सारे संसार को धारण करने वाला हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूत से जाता पत्रे काशीत सदाधार पृथ्वी ज्यामते माम कस्मै देवाय हविषावदे। उसने पृथ्वी को धारण किया, उसने द्विलोक को धारण किया। तो इस प्रकार से हिरण्यगर्भ सूक्त जो है उसमें परमात्मा के जो स्वरूप का वर्णन आता है। और एक पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो हजार शब्द का मतलब है असंख्य, ऐसा सत्वत ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या की है। सहस्र शब्द की व्याख्या की असंख्य, सहस्र का मतलब हजार नहीं है, हमने लौकिक गणित में संख्या के लिए हजार के लिए सहस्र शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वेद में जब कहा जाता है, जब हम कहते हैं हजारों लोग आए, इसका मतलब है हमने ठीक से गिने नहीं, हमने अंदाजा लगाया गिन न सके, अंदाजा लगाया भाई इतने लोग तो इतने जगह में आते हैं तो इतने लोग होंगे, तब हम हजारों के। तो हजारों नेत्र सहस्र शीर्षा लोगों के सोचने की शक्ति, असंख्य लोगों के सोचने की शक्ति या असंख्य लोगों के विषयों में सोचने की शक्ति। हर आदमी परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, असंख्य लोग प्रार्थना कर रहे हैं, असंख्यों की प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, असंख्यों की भूख है वो परमात्मा मिटा रहा है, असंख्यों की प्यास है वो मिटा रहा है, असंख्यों को चलने की शक्ति दे रहा है। तो इसका मतलब यह है वो सहस्र शीर्षा है, सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो ये दार्शनिक सूक्त हैं। दूसरे जो सूक्त हैं वो दार्शनिक सूक्त हैं, इनकी चर्चा हमारे इन दार्शनिक सूक्तों में है। और तीसरे सूक्त हैं लौकिक सूक्त। हम लोक के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, अब दुनिया में हम कैसे जिएंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, इसके लिए लौकिक सूक्त है। हमने खेती में अनाज पैदा किया, हम प्रोफेसर लग गए, समझे, जैसे ही हमारी पैंठ चल पड़ी हमें ऐंठ आ गई, है ना, अपनी पैंठ में अपनी ऐंठ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में ऐंठ को मिटाने के लिए क्या करना है। क्योंकि जब जब कहते हैं खुदा जब हौसला देता है तो मजाक कटाई जाती है, जब हमारे पास कुछ होता है तो थोड़ी सी अकड़ाई जाती है। लेकिन क्यों अकड़ आ रही है, उसकी वजह बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ ये अकड़ ना आए, आदमी मुर्दा ना बन जाए, उसके लिए सूक्त लिखे, धनान्न दान सूक्त। जो धन और अन्न तुम्हारे घर में आना है पहले तुम उसका दान करो। मोग मंडम विंदते प्रचेता सत्यम ब्रवीम बदत सत्य नार्यमणम पुष्य तुनो सखायम केवलाखो भवत केवला। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, जो खिला के खाता है वो स्वर्ग को जाता है। गीता में भी लिखा यज्ञ शिष्टा सना संत मुचंत सर्वकल विषय ही। तो यज्ञ का शेष प्रयोग करते हैं वो सीधे स्वर्ग का रास्ता अपनाते हैं, सुखपूर्वक जीते हैं। तो आपकी संपत्ति को देख करके किसी को ईर्षा द्वेष
हैं, उसको विनाश का मन में भावना ना आ जाए, इसका सीधा सीधा बात है, जब आप करते हैं उसके लिए विधि बना दी, ऋषियों ने यज्ञ की विधि बना दी, उसमें आहुति डाली, आपने सबको बांट, तो धनान दान सुक्त, संगठन सुक्त। कई बार ऐसा होता है हम लोग आपस में मेरी अपनी अस्मिता, मेरा अहंकार, आपका अहंकार, हर एक का अलग अलग है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को विद्या का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, अब वो अहंकार आपस में टकरा सकते हैं तो समाज तो सारा का सारा विकृत हो जाएगा, सारा बिखर जाएगा, तो कैसे समाज रुके। तो ये वैदिक धर्म में इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा, यहां तो केवल थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं। संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांसि जानतः, हम संगठित होकर के चलें, साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, समानी बा आकूति समाना हृदयाने बा, हमारे हृदय हमारी आकूति माने हमारा कथन, ये सब जब परस्पर परस्परम भावयंत श्रेय परम भावसिद्ध, गीता में कहते हैं जब हम एक दूसरे को चाहते हैं तब परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। इसलिए वेद ने संगठन सूक्त अंतिम सूक्त है वेद का, ऋग्वेद का, इसका मतलब है ज्ञान का अंत संगठन में है। ज्ञानी आदमी, नॉलेज वाले व्यक्ति एक संगठित हो जाए तो दुनिया कहां की कहां पहुंच जाए। लेकिन हम तो अलग मत, अलग संप्रदाय, अलग दुनिया बनाना चाहते, भगवान भी हम अलग कर लेते, इसलिए कर लेते कि हमारी दुकान चले। लेकिन वेद क्या कहता है, वेद कहता है कि पढ़े लिखे लोगों आप संगठित होकर चलना, अगर पढ़े में संगठन नहीं हुआ और वो विघटित हो गए, पूरा समाज विघटित हो जाएगा, पूरा प्राणी मात्र विघटित हो जाएगा, और विघटन का रिजल्ट आपको पता ही है। अब हिंदू मुसलमानों में बटा है, बंटवारा हो रहा है, मुसलमान मुसलमानों में, सिया सुन्नी में बंटवारा हो रहा है, हिंदुओं में जातिवाद का बंटवारा हो रहा है, ब्राह्मण है ये, क्षत्रिय है ये, वैश्य है, शूद्र है। वेद कहता है नो नो, हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए, समानी व आकूति समान हृदय, हम मन वचन कर्म से एक होकर के चलेंगे, ये वेद का संदेश है, ये संगठन सूक्त है। कहीं ऐसा ना हो पूरी बुरी वृत्ति आ जाए, जुआ खेलने की आदत आ जाए, तो बुरी वृत्तियों से बचाने के लिए वहां लौकिक सूक्त है अक्षय सूक्त। अक्षय सूक्त में कहा गया अक्षय मा दिव्य किस्मत कशस्व, खेलने की मनाही नहीं है, आप कुछ भी खेल खेलिए, खेले रहिए, खेलने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना कहीं खेल आपका नशा न बन जाए, कहीं ऐसा ना हो आप अपनी पत्नी हार जाएं, आप अपनी जायदाद हार जाएं, आप अपना राज्य हार जाएं, जब महाभारत में हुआ, तो जुए ने तो सर्वनाश कर दिया, महाभारत के युद्ध ने भारत की तमाम शक्ति को उतना पीछे कर दिया, आज जो आता है भारत की तरफ आंख उठा लेता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें वेद ने कहा अक्षय महादिव्य जुआ मत खेलो, अगर समय बिताना है तो कृष्णमत कृष्णस्व, तो खेती करो, खेती में आपको समय लगाना है, क्योंकि उसका जो समय है वही आपको आनंद का देने वाला होगा, आपको आपके परिवार को सब लोगों को भोजन देगा, आप दिल्ली वालों को बंबई वालों को जो खेती नहीं करते उनके भी भोजन आप दे पाओगे अन्नदाता। उसने कहा अक्षय महादिव्य किस्मत कृष्णस्व, जुआ मत खेलो है ना, और खेती करो, उसमें ध्यान लगाओ, वही तुम्हारी संपदा का कारण होगा। ये लौकिक सूक्त है, और भी लौकिक सूक्त है, बड़े अद्भुत अद्भुत सूक्त हैं, है ना, जैसे मैं आपको बताता हूं सपत्नी बाद नाशनम, ये एक अद्भुत सूक्त है। सौत का नाश कैसे हो, कितने लोग दुनिया में घर इसलिए बिगड़ रहे हैं कि पति देव ने वो आज राधा का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में फैल गया मूर्खों का, और उसका परिणाम क्या हुआ, घर बिगड़ गए। एक प्रेयसी एक पत्नी, ये प्रेयसी पत्नी का हमारा शास्त्रीय उल्लेख नहीं है, वेद ने तो सपत्नी नाशनम एक सूक्त लिखा पूरा, और उस सूक्त में जो सपत्नी है उसकी शक्ति कैसे विनष्ट हो और आप कैसे शक्तिशाली हो, वेदों में उसकी प्रार्थना है। इसी प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यक्ष्मनाशनम सूक्त है, और यक्ष्मा कहते हैं टीबी को, यक्ष्मा राजयक्ष्मा, उससे बच्चे करे हैं। इस तरह से जो और दुनिया के इतने भी ये हमारे महामारियां हैं उनसे दूर करने के लिए भी वेद में मंत्र मौजूद है। रुद्र सूक्त में ऐसी प्रार्थनाएं हैं, यक्ष्मनाशनम सूक्त में ऐसी प्रार्थनाएं हैं, और इसके अलावा एक और थोड़ा चर्चा में कर दूं जो बड़े काम की चीज है, वो है श्रद्धा सूक्त। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं है, ध्यान रखना,
अगर आपकी अपने पिताजी में श्रद्धा है तो घर स्वर्ग है। बच्चे की पिताजी में श्रद्धा है, घर स्वर्ग है। बच्चे की माँ में श्रद्धा है, घर स्वर्ग है। माँ की अपने बच्चों में श्रद्धा है, स्वर्ग है। शिष्य की गुरु में श्रद्धा है तो ज्ञान अनंत है, और गुरु की अगर शिष्य में श्रद्धा है तो अनंत शिष्य जो है ज्ञानवान प्रकाशवान होकर के संसार को चलाएंगे। श्रद्धा के विषय में तो बड़ा अद्भुत लिखा, श्रद्धया हुयते हवि। यज्ञ करो तो श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित होगी। और कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा तो बहुत बड़ी चीज है, और श्रद्धा है क्या असल में? कहते हैं सत सत्यम नाम, सत नाम है सत्य का, काम धीयते, उस सत्य को जो धारण करता है जिस वृत्ति से, यानी कोई चीज जो तुमने जानी है उसे जीवन में धारण करो, इसी का नाम श्रद्धा है। हम जानते बहुत हैं पर धारणा नहीं करते। हर आदमी जानता है सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, परंतु ये धारण कर ले पिए नहीं। नशा कोई भी है नुकसानदायक है, अगर ये धारण कर लिया तो आप श्रद्धावान व्यक्ति हैं। वेद के ज्ञान को जीवन में धारण करने का नाम ही श्रद्धा है, या गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास रखना श्रद्धा है, ऐसा शंकराचार्य जी ने लिखा है, गुरु वचने सुदृढ़ विश्वास हो श्रद्धा। तो श्रद्धा आस्था है, श्रद्धा विश्वास है, श्रद्धा सत्य को धारण करने का नाम है, तो ये श्रद्धा सूक्त। इस प्रकार से कतिपय मैंने ऋग्वेद के लौकिक सूक्तों की चर्चा की। अब एक अंतिम सूक्त है, वो है संवाद सूक्त। वैसे तो वेद में सब सत्य विद्याएं हैं, कोई विद्या छूटी नहीं जो वेद में मौजूद न हो, और संवाद सूक्तों में यम यमी संवाद है, और उसमें शर्मा पणि संवाद है, और उसमें पुनर्वा उर्वशी संवाद है। इस प्रकार से अनेक संवाद सूक्त हैं जिनमें वार्तालाप है, वार्तालाप के माध्यम से समस्याओं का समाधान है। तो ये ऋग्वेद का प्रतिपाद्य। जरा समय देख लूं एक बार, दृष्टि डालकर कितनी और इजाजत देता है, बाप रे, बहुत थोड़ा समय बचा है और वेद बचे हैं 30 जिनका प्रतिपाद्य करना है। मैं 5-5, 10-10 वाक्यों में इस प्रतिपाद्य को पूरा करता हूं। अब दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में कहा कि प्राधान्य ने विपदेशा भवन्ति, जिस विषय की जिस शास्त्र में प्रधानता होती है उसी के नाम से वो शास्त्र जाना जाता है। तो यजुर्वेद कर्मकांड कहलाता है। इसका मतलब, कर्म का मतलब है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। वेद में स्वयं ऐसा मंत्र है, इसे तोर्जे त्वा वायवस्त देवो वा सविता प्राप्त तो श्रेष्ठतम आय कर्मण, ये श्रेष्ठतम कर्म है। तो इस श्रेष्ठतम कर्म के लिए बहुत विस्तृत उल्लेख है पूरे यजुर्वेद में। वैसे तो यज्ञ की व्याख्या हम करेंगे संस्कार वाले प्रकरण में, जब धर्म वाले प्रकरण में भी कर सकते हैं, उसमें चर्चा करेंगे, यहां ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। केवल इतना समझ लें यजुर्वेद का प्रतिपाद्य है, यजु का मतलब है यजन, यजते येन सह यजु, ऐसी व्याख्याएं हमको शास्त्रों में प्राप्त होती है, जिसमें यजन क्रिया है उसका नाम यजु है, जिसमें स्तुति की क्रिया थी उसका नाम ऋक है, ऋच स्तुतौ। ऋचा ऋग्वेद जो है वो स्तुति वेद है, चार सारे देवताओं की स्तुतियां उसमें है, और यजुर्वेद यजन का वेद है, यज्ञ का वेद है। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ये यजन पूरा जीवन कर्म ही यजन है, पूरा जीवन कर्म। क्या शिल्प, क्या शिक्षण, क्या प्रशिक्षण, क्या तकनीकी, सारे का नाम स्वामी जी तो लिखते हैं शिल्प विभाग से लेकर के अग्निहोत्र अश्वमेध पर्यंत, और शिल्प विभाग से लेकर के और दुनिया के बड़े से बड़ा जो काम है वो सब यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो यजुर्वेद में उसका विस्तृत विवेचन है। हर कार्य का आरंभ हम यज्ञ से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम लोग कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ है, और जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि उसके बुभुक्षा रूपी हवन कुंड में वो अपने स्तन का पान करा के बच्चे को जीवन देती है, वो तो यज्ञ है। और ये जो परमात्मा सृष्टि में कर रहा है ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। वो हमारे शरीर में तो दूध भर ही रहा है,
लेकिन औषधि वनस्पतियों में भर रहा है। आप देखो फलों में रस भर रहा है, रसो वैसा रस रूप है, उसने हर पदार्थ के अंदर तंत्वा समित भिरंगरो घृते न वर्धयामसी वृक्षो छाय विश्चित, वो अंगिरा है, अंगिरस है, अंगिरस है, वही सब रसों का मूल है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो यजुर्वेद है उसमें कर्म कांड का विनियोग है। सभी संस्कारों के मंत्र लगभग, कुछ अथर्वेद और ऋग्वेद में भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यजुर्वेद में बहुधा सभी यज्ञों के विधान के मंत्र मौजूद हैं। अंत्येष्टि के मंत्र पढ़े जाते हैं, वो भी यजुर्वेद से पढ़े जाते हैं। नाम करके पढ़े जाते हैं, वो भी यजुर्वेद से पढ़े जाते हैं। विवाह के मंत्र ज्यादातर यजुर्वेद से हैं। तो इस प्रकार से वैसे तो विवाह सूक्त है पूरा का पूरा, उसकी चर्चा अगले प्रसंग में करेंगे। तो हम आपको ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो यजुर्वेद के प्रतिपाद्य में मेन चीज है कर्म, और ये यजुर्वेद में जो कर्मकांड है उसका मतलब है यज्ञ की व्यवस्था, और यज्ञ की व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा। लास्ट जो सूक्त अध्याय है उसका नाम है ईशावास्योपनिषद, वो जो 40वां अध्याय है, बड़ा अद्भुत है। बीच में पुरुष सूक्त भी है, इसमें भी दार्शनिक सूक्त हैं और बहुत अच्छे अच्छे सूक्त इसमें हैं, परंतु मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि परमात्मा के स्वरूप की चर्चा ये 40वां अध्याय बड़ी अद्भुत है। इसी में एक और बीच में है परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, नतस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्यसत्, और इसमें तो पूरे स्वरूप का ही वर्णन है। इसमें सबसे पहले कहा ईसा वास्मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्येर तक्तेन भुञ्जिता मा गधः कस्य सुधर्म, कहते हैं ईसा वास्मिदम सर्वम, इदम सर्वम ईस आवास्यम, ईसेन आवास्यम ईसा वास्यम, ये परमात्मा के द्वारा सारा बसा हुआ है या परमात्मा अणु अणु में व्याप्त है। ये परमात्मा की सर्वव्यापकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण वेद में। यत्किंच जगत याम जगत, इस जगती में, इस चरायमान जगत में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा से व्याप्त है, ये मानकर हमें चलना चाहिए परमात्मा सर्वव्यापक है। तेन त्यक्तेन भुञ्जिता, आप ये सोचें कि हम कुछ चुरा लेंगे, कुछ हम छिपा लेंगे, तो वो हो नहीं सकता। इसलिए कहा त्याग के साथ भोग करो। ये दूसरे की पदार्थ पर गर्द की दृष्टि डालना, मात्र कस सुधनम, किसी के धन को गर्द की दृष्टि से मत देखो, कितना बड़ा दर्शन है। अगर लोग गर्द की दृष्टि से दूसरे की संपत्ति को, दूसरे की संपदा को, दूसरे की स्त्री को, दूसरे की बहन बेटी को देखना बंद कर दें, मैं कह रहा हूं 1,00,000 समस्याएं अपने आप सुलझ जाए। लेकिन वेद की तो शिक्षा ही नहीं दी जाती, हमको पता ही नहीं चलता वेद में क्या लिखा है। वेद को तो हम सोचते हैं ये शायद हवन करने का या शायद जो है कर्मकांड का एक शास्त्र है। तो हमको वेद के इस मौलिकता को समझना है। कहते हैं कौन है बेटा, मंत्र बंद करो। तो आप जरा देखिएगा, और वेद में असुरिया कर्म कुर्वन ने वे कर्माण जीजी विशेष छतक गुण समा एवं तो नान थे तुझे कर्म लिपते नरे असुरिया नाम थे लोकां धेन तमसा करता। ऐसे ऐसे वेद मंत्र हैं जहां ये कहा कि आपको जीने की इच्छा तो करनी है, लेकिन बिस्तर पर सो कर नहीं, पड़े पड़े रह कर नहीं, ऐशो आराम के लिए नहीं। कुर्वन ने वे कर्माणी, शरीर तुम्हारा सक्रिय रहे कर्म करते हुए। तो यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य था उसका मैंने संक्षेप चर्चा की। अब थोड़ा सामवेद और अथर्ववेद के 2-4 वाक्य और कहता हूं आपको, ये टाइम तो भागे चला जा रहा है। सामवेद बड़ा अद्भुत वेद है। क्या क्या ऐसा कहना कि परमात्मा की आराधना उसको निकट लाने का एक ही मंत्र का एक वाक्य देखिएगा, अग्न आया हि वीत ये घृणानो हव्यदात ये निहोता सस्य वर्षि, कहते हैं हे होता निसत्सि वर्षि, मेरे हृदयासन पर निसत्य आके विराजमान हो जाओ। क्या बात है, आप जब किसी से बहुत श्रद्धावान होते हैं, बहुत मोहब्बत करते बेइंतहा, तो आपसे कहते हैं आप आइए ना, हैं कभी घर विराजिए, और आप विराजने के लिए आसन देते हैं, जल देते हैं, भोजन देते हैं, और किसी तरह कोशिश करते हैं ये तृप्त हो जाए। हम प्रभु को अपने हृदय के आसन पर बिठाना चाहते हैं। प्रभु बाहर नहीं है जहां से बुला रहे हैं हम, लेकिन शायद वो तो अंदर हैं पर हमारा आसन स्वच्छ नहीं है। इसलिए कहा अग्नि आया है, अरे अग्नि स्वरूप प्रभु आप पधारो ना, आपके पधारते अपने आप पवित्र हो जाएगा। अग्नि तो पावनता का प्रतीक है ना,
यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदन तापतारण तथा तथा चतुर्भिः पुरुष परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। आदमी जैसे सोना अग्नि में डाल करके उसकी शुद्धता की परीक्षा हो जाती है और फिर वो हमें पहनने लायक योग्य उसकी मूल्य पता लगता है। इसी प्रकार से सच पूछो, परमात्मा जिसके हृदय आसन पर विराजमान हो गए उसका पावन अंतःकरण सारे संसार के लिए इतना मूल्यवान हो जाता है जिसके मूल्य का हम कोई आकलन कर नहीं सकते। इसलिए मैंने आपसे कहा अग्नि आया है, हे अग्नि आओ, निसत्य वरिषी मेरे हृदय आसन पर बैठो, हे होता मेरे हृदय के आसन पर विराजमान हो जाओ। ऐसी अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं सामवेद में अग्नि से हैं, इंद्र से हैं, पवमान से हैं। तो ये अलग अलग कांडों में अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं और बड़े संगीत के साथ सामवेद का गान का भी चर्चा है। अभी उसका मेरे पास समय नहीं है, अथर्ववेद का संक्षेप में चर्चा करता हूं। अब चौथा जो हमारा वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य बहुत विस्तृत है, हम सारे की चर्चा तो नहीं कर सकेंगे लेकिन संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं अथर्ववेद की। इसमें एक सूक्त है भूमि सूक्त, जिस पर आदरणीय बहन जी ने प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी ने एक पूरी पुस्तक लिखी है, बहुत सुंदर व्याख्या की है। तो भूमि सूक्त में आप जरा भूमि का स्वरूप देखिए, ये कितनी इंपॉर्टेंस है मनुष्य के लिए भूमि का, जो पर भूमि के टुकड़े के लिए गर्दन नहीं काटने दूसरे की, महत्वपूर्ण जरूर है वो। तो उसमें तो लिखा है भूमि सूक्त में, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचस, ये तो बड़ी अद्भुत है। भूमि जो है जन्म विभ्रति सारे प्राणियों को धारण करती है, नाना धर्माणम पृथ्वी यथौ कसम, ये तो अनेक प्रकार के विचार वाले लोगों के लिए एक घर है पृथ्वी, सब इस पर रह सकते हैं, विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो पृथ्वी सूक्त का मैं आपके हृदय की विशालता का भी उसमें है। और ये भी कहा है पृथ्वी किन चीजों से रुकती है, तो सत्यम बृहदम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी में धारयन्ति। इस पृथ्वी को धारण करने वाले तत्व हैं सत्य है, बृहद ऋत है, उग्र है उग्रता है, दीक्षा है, तप है, ब्रह्म है, यज्ञ है। ये चीजें पृथ्वी को रोके हुए हैं, इनकी व्याख्या करने का इस वक्त अवसर नहीं है। जब मैं अगली चर्चाएं करूंगा तब उसमें इसको कहीं प्रसंग आया तो करूंगा। ब्रह्मचर्य सूक्त है, ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्युम उपागनत, मृत्यु तक को ब्रह्मचर्य से देवताओं ने विद्वानों ने जीत लिया। आचार्यो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचार्य मिश्यति, ब्रह्मचारी आचार्य जो है वो ब्रह्मचर्य के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मचारी को चाहता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी गुरु को चाहता है। ब्रह्मचर्य कन्या युवानम बिंदते पतिम, कन्या जो है ब्रह्मचर्य का पालन करके युवा पति को प्राप्त करते योग्य पति को, ब्रह्मचारी श्रमेण लोका तपसा पिपर्ति, और ब्रह्मचर्य से ही और तप से संसार को हम पिपर्ति मानी पालन करता है प्रभु। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य सूक्त है, विवाह सूक्त है, इसमें बहुत से वर्णन है। और अथर्ववेद में तमाम विषय हैं गृहस्थी के, सामान्य जन के, वेद के, विज्ञान के, उन तमाम विषयों की चर्चा करने का इस वक्त इतना ही अवसर है। मैंने एक एट ए ग्लांस एक दृष्टि में समस्त जो वैदिक साहित्य वैदिक लिटरेचर है जो हमारी संस्कृति का मूल है, हमारी संस्कृति इनके मूल्यों से ही तैयार हुई है। तो इसलिए पहला जो प्रवचन था, पहला जो लेक्चर था, बहन जी ने मुझे सौंपा था कि वैदिक लिटरेचर का एक चर्चा मैं आपके सामने करूँ। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और कि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा जानकारी इसके विषय में हुई होगी। कल वैदिक धर्म, ये जो हम ये समझते हैं कि धर्म का मतलब होता है नमाज पढ़ना, धर्म का मतलब होता है मंदिर जाना, धर्म का मतलब होता है क्या है, क्या वैदिक धर्म यही है? तो मैं आपको वो धर्म बताऊंगा वेद में जिसे हम मानव धर्म कहते हैं, वो शायद वेद का मूल उद्देश्य है। सब प्रमाण उसकी चर्चा मैं कल आप अगले वाले लेक्चर में, यानी कि जो 5 तारीख को शायद है, उसमें आपके सामने उपस्थित होऊंगा। प्रभु कृपा रही और बहन जी का आशीर्वाद रहा तो मैं अच्छी ढंग से आपको वैदिक धर्म की चर्चा करूंगा। उसके बाद मैथोलॉजी, जो हमारे पास देवशास्त्र है, उसकी चर्चा करेंगे। तो जो जो विषय जब जब हैं हम उनकी चर्चाएं हम करेंगे। 12 तारीख को शायद डॉक्टर आर्या जो हैं JNU वाले, वो आपके सामने चर्चा करेंगे। उस दिन थोड़ा मैं व्यस्त हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने तल्लीनता के साथ, इतने तन्मयता के साथ
आपने पढ़ा और बहन जी का आभार है कि उन्होंने मुझ जैसे बहुत कम जानकार व्यक्ति को एक अवसर दिया कि वेद पर कुछ चर्चा करो। इस समुद्र में से जो एकाध घूंट मैंने तैयार किया है वो मैंने आपको पिलाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार से 5-10 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए भी रख लीजिएगा। जी बहन जी, कुछ 5-10 मिनट बीच में या अंत में प्रश्नोत्तर के लिए रख लीजिएगा। अगली तो बार अब रख लेते हैं, कोई बात रख लेंगे। नहीं अब तो समय हो गया, वो एक्चुअली बीच में नेट चला गया। ठीक है, एक डेढ़ घंटे बाद थोड़ा विराम दे, एक घंटे बाद विराम दे लेंगे। जी जी बिल्कुल, आपको भी वो रहेगा और इन लोगों की भी कुछ जिज्ञासाएं होंगी तो उससे लाभ होगा। जी 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 मैम, लेकिन धन्यवाद मैम, इस क्लास की वेद सम्मेलन के बारे में आप सबको सूचना मिल गई होगी। सोमवार को हमारा वेद सम्मेलन है 11 बजे से। आप सब लोग उपस्थित हो जी, आप सादर आमंत्रित हैं, ससने आमंत्रित हैं। सर वो फिजिकल फिजिकल प्रेजेंटेशन है, ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन होगा और 11 बजे से लेकर के और करीब 1:30-2 बजे तक चलेगा। जी सर। अलग जी। बहुत बाहर के विद्वान आए हैं उसमें, एक बनारस से आ रहे हैं, एक रोहतक यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, एक हरिद्वार से आ रहे हैं। जी जी सर। अद्भुत विद्वान जिन्होंने कई कई पुस्तकें लिखी हैं और काफी मनन चिंतन किया है वेद पर, वो लोग चर्चा करेंगे वेद सम्मेलन में। और विषय है वेद और समग्र स्वास्थ्य। हमने कोशिश की है वेद की वो वेद के वो बिंदु जिनसे आप सब लोगों को लाभ हो। उसमें मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, आत्मिक स्वास्थ्य, इन सब की चर्चाएं वो विद्वान लोग करेंगे। जी सर। जी धन्यवाद। मैम सर से इस क्लास के कुछ प्रश्न है, अगली क्लास में पूछेंगे आपसे। अगली में पूछ लेंगे, इसमें भी पूछा तो मैं तो बैठा हूँ पर समय आपको इजाजत दे ना। समय मुझे तो इजाजत दे रहा है लेकिन हम लोग 5 बजे की सीमा करते हैं तो उस वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगली बार आप आरंभ में कर लीजिएगा। जी जी 5 मिनट लूंगा। जी जी जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभारी हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत ही एनलाइटेंड था सर ये लेक्चर, बहुत ज्यादा। सर अश्वमेध यज्ञ पे आपने मेरी जो है, मेरी जो दृष्टि है वो उसको बिल्कुल बदल दिया। पहले मैं कुछ और सोचती थी, अब कुछ और सोचूंगी। सारी चीजों ज्योतिष में भी गीता। यस सर, ज्योतिष तो खैर सर मैं ज्योतिष तो मेरा व्यवसाय है ही नहीं है और मैं उसको बिल्कुल आध्यात्मिक तरीके से लेती हूँ, पहले भी लेती थी और अभी और भी लूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नमो नमः।